होगा और ये सेशन साधारण 4:45-5 बजे तक चलेगा। उसके बाद हम आपके साथ एक फीडबैक लिंक शेयर करेंगे, उस पे आप अपना फीडबैक देख सकते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा। बीच में आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जब भी आप सुन रहे हैं सिर्फ, तो अपने आप को म्यूट पे रखिए। प्लस अगर आप 3-4 जन एक जगह से देख इस सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही हैंडसेट या लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका, तो आप अपने जपैगो का जो स्टाफ आपके इधर आते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, और इस सेशन में भी पूछ सकते हैं। इस सेशन के बाद जो भी पीपीटी हमारे इस सेशन में पढ़ाई जाएंगी, वो आपके साथ व्हाट्सएप पे और मेल पे भी शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अभी हम सेशन चालू करेंगे। सुरंजीत सर, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक्स एवरीबॉडी, वेलकम अगेन बैक। ये हमारा तीसरा सेशन है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू आर थ्री दिस आर थर्ड सेशन। सो ज्यादातर लोग हो सकते कि पहले दो सेशंस भी अटेंड किए होंगे, तो वेलकम बैक। हम लोग लास्ट सेशन के बारे में हम लोग कुछ पूछेंगे एंड आप लोग को लास्ट सेशन को कैसे लगा कुछ फीडबैक दे सकते हैं, और लास्ट सेशन के बाद आप लोग क्या किए हैं स्पेशल आपका हॉस्पिटल में, कुछ नया चीज आप ट्राई किए, कुछ चीज आप किए हैं, तो आप इस समय हम लोग 5 मिनट है आप लोग बता सकते हैं। हेलो, यस हेलो हाँ हेलो, वी हैव डॉक्टर अविनाश फ्रॉम वेल वेल हॉल। डॉक्टर अविनाश, हेलो डॉक्टर अविनाश, कैन एवरीबडी टर्न ऑन देयर वीडियोस प्लीज। एक आरएमएच हॉस्पिटल है, आरएमएच हॉस्पिटल से कोई बता सकते हैं कि लास्ट वीक से इस वीक में कुछ। यस यस डॉक्टर अविनाश, कैन यू से सर। डॉक्टर अविनाश यू आर ऑन म्यूट, आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करना पड़ेगा। आइए, वेरी गुड, प्लीज अगेन यू आर ऑन म्यूट। डॉक्टर अविनाश, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग दैट यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम लास्ट वीक एंड अडैप्टेड टू योर हॉस्पिटल। नॉट एनीबडी एल्स वॉन्ट्स टू शेयर। राहुल फ्रॉम बीर हॉस्पिटल, स्प्राउटिंग सीड्स, स्प्राउटिंग सीड्स हॉस्पिटल से कुछ बता सकते हैं कि क्या आप लोग लास्ट टाइम और आप शुरू कर दिए। तो हमने फर्स्ट आर यूजिंग पार्टोग्राफ, एक चीज बताइए पार्टोग्राफ कितना हॉस्पिटल्स यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे तो ऐसे करिए, कितना हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं। मधुश्री हॉस्पिटल आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे करिए, देख सकते हैं मेरे उंगली को, थम्स अप। नहीं, मधुश्री हॉस्पिटल, एंडो वर्ल्ड, एंडो वर्ल्ड नहीं कर रहा है अभी तक, ठीक है इसको हम लोग करेंगे। इंडो वर्ल्ड का पीओ कौन है? नीतीश सर, नीतीश। नीतीश, जरा इंडो वर्ल्ड के साथ बात करके देख लीजिए कि कैसे हम लोग उधर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अवंती जी हॉस्पिटल, अवंती हॉस्पिटल आपका थम्स अप था, थम्स डाउन था? वेरी गुड, वेरी गुड। स्प्राउटिंग सीड्स, थम्स अप है, थम्स डाउन है? वेरी गुड। डॉक्टर रेशमा फ्रॉम निवागिरी, वेरी गुड। वी आर ऑल्सो, लास्ट वीक वी टॉक्ट अबाउट एच आर पॉलिसी, वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट मेंटेनिंग एच आर फाइल्स फॉर एवरीबडी, एवरीबडी शुड हैव एच आर फाइल्स, सो दैट वॉज समथिंग वी वॉन्टेड एंड आई नो मैनेजर्स आर नॉट देयर दिस टाइम, बट दैट इज समथिंग वी वॉन्ट एवरी हॉस्पिटल टू बिगिन।
Another thing we want all the hospitals to do is have WHO safe child checklist. WHO safe childbirth checklist. How many hospitals are using the WHO safe childbirth checklist? How many hospitals are using WHO safe childbirth checklist? Have everybody seen the WHO safe childbirth checklist? Jijay Hospital? आप कर रहे तो ऐसे करिए, नहीं कर रहे तो ऐसे करिए। तो I think not many people have got access to the safe childbirth checklist. इसके ऊपर भी हमारा पीओस जरा हेल्प करके लोग दीजिए और इनको हम लोग मदद कर सकते हैं. Now it's I'll ask Akash and Tanushree if they have any other announcements, otherwise we can go to our classes. I think so, we can go to our classes. Okay. So I'm handing this time over to Nidish and Raji. Nidish and Raji, please come in. Yes, only one request for our Chapaigo staff. In case your facility has joined late, kindly share their attendance with us so that we can mark them. Nidish, over to you. Can you please make me as host? I just want to share the screen. Yeah. Dr. Fazal, can you make Nidish co-host? Okay. Dr. Fazal? Hello, sir. This is Rohan from Echo India. Can you start? I mean, start sharing the screen. So Nidish, Nidish is our presenter today. He wants to start screen, but he is not co-host. Given share screen, share screen access. Okay, Nidish, you can go ahead. Okay, with this. Okay. Thank you. Is it visible now, Akash, my presentation? Yes. Okay, thank you. Thank you. Very good afternoon to all. आज हमने जैसा सर ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया है, सो आज हमने मेनली चार चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. एक पीवी एग्जामिनेशन और पार्टोग्राफ प्लॉटिंग, रिगार्डिंग द पार्टोग्राफ प्लॉटिंग और पार्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन के बारे में, और एक छोटा सा टॉपिक बट इम्पोर्टेंट, रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर और स्मॉल स्पेस बेबी का मैनेजमेंट, कैसे छोटा बेबी को कैसे मैनेज करेंगे. सो ये चार पॉइंट्स के ऊपर हमने आज डिस्कस करेंगे. सो पहले रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर. सो रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर के बारे में कई सुना है, तो आपको बता सकते हैं क्या है रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर. इन शॉर्ट में हमने बोलते हैं RMC. सो रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर सुना है कई लोग, आपको अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या है रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर. मराठी में हम लोग क्या बोलेंगे रेस्पेक्टफुल मैटर्निटी केयर में, और हिंदी में क्या बोलेंगे? मराठी में बोलेंगे मदर एंड बेबी, आई आणि बाळ दोन्ही सुखरूप. आदर युक्त मातृत्व सेवा सिस्टर. RMC म्हणजे रिस्पेक्टफुल मॅटर्निटी केअरला आदरयुक्त मातृत्व सेवा. RMC आदरयुक्त, आदर असायला पाहिजे त्यांच्यासाठी, असं आहे ते. और हिंदी में वो उसमें भी लागू हो जाएगा सर, हिंदी में भी. अच्छा, कोई बता सकते रिस्पेक्टफुल मॅटर्निटी केअर क्या है? ये रेस्पेक्ट क्यों देना है मॅटर्निटी केअर में? कोई बता सकते हैं रेस्पेक्ट क्यों देना है मैटरनिटी केयर में? बताइए
एनीबडी कैन से डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर रेशमा का हॉस्पिटल? डॉक्टर बाड़े हॉस्पिटल, एनीबडी? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी कभी हम लोग रेस्पेक्टफुल केयर नहीं देते हैं, मतलब हम लोग इनको केयर कभी कभी बहुत ये होता है, तो ऐसे होता है क्या? निधिश टेक ओवर। हाँ सर, थैंक यू। सो ये नाम से आपको पता चला है रेस्पेक्ट देना है। सो हमको पता है मैटरनिटी हॉस्पिटल, हम सब लोग मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं। सो मैटरनिटी केयर होते हैं हमारा हॉस्पिटल में, लेकिन ये रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर कैसे आ गए? सो ये है, हमने आदर से हमने जो सेवा करना चाहिए माँ को, कैसे इनको हमारे इस हॉस्पिटल में 4 दिन 5 दिन हमारे हॉस्पिटल में माँ और इनके साथ ही कोई लोग होते हैं, इनके हमने कैसे इनके साथ इंटरा करना है, कैसे इसके साथ बात करना है, वो सब रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में आएगा। सो इसमें पॉइंट्स है, हमने अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। इसमें बोला है हमने देखना है डिग्निफाइड केयर। सो जैसा है डिग्निटी, इसमें कुछ कास्ट रिलीजियन इसका कुछ मीनिंग नहीं है, हमने सबको एक ही समान सेवा देना चाहिए, हमने इसको कंसर्न लेना चाहिए। हम पार्ट ऑफ, जब आपने पीवी के बारे में हमने बात किया, हमने जो भी हमने करते हैं, हमने एक ब्लड, आपने ब्लड सैंपल ले रहे हो, आपने कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, हमने पहले इनको कंसर्न लेना चाहिए और हमने इसको इन्फॉर्म्ड केयर देना चाहिए। ऐसा होते हैं कि गांव में कुछ लोग आया है, वो लोग अनपढ़ है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हमारा जवाबदारी है, नर्स से डॉक्टर से हमारा जवाबदारी है, इनको कितना लेवल पे अंडरस्टैंड हो जाते हैं उतना लेवल जाके हमने इसको समझना चाहिए क्या है, क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, क्यों मम्मी ये केयर देने के लिए कोशिश कर रही। सो ये सब हमने बात करना चाहिए और साथ साथ, सो हम पुराने जमाने में सुना है जो जो लेबर रूम में आते हैं लेडी को डांटते हैं, सो वो सब हमने आजकल बिल्कुल नहीं करते। सो ये सब प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, उसका टुगेदर मतलब है हमने प्रॉपर आदर पूर्व केयर देना चाहिए मदर को। ओके, सो इसके लिए बोलते हैं रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। और रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के साथ एक पॉइंट है बर्थ कंपेनियन। सो आपने सुना है बर्थ कंपेनियन, बर्थ कंपेनियन मतलब कुछ साथी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी के, जो माँ आते हैं डिलीवरी के लिए, सो ये डिलीवरी का पूरा टाइम लेबर रूम के अंदर एक आदमी को हमने अलाउ करते हैं जो माँ के साथ। सो ये उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड हो सकते हैं और इसका मदर हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकते हैं। सो ये हमने एक बर्थ कंपेनियन को लेबर रूम के अंदर पूरा लेबर अंतिम तक, हमने डिलीवरी अंतिम तक हम इनको अलाउ करते हैं। सो ये उसका उद्देश्य क्या है? सो ये बताइए, आपका हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में आप लोग अभी ऑलरेडी ये बर्थ कंपेनियन को अलाउ करते हैं कि आपका हॉस्पिटल में? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सिस्टर, आपका हॉस्पिटल में आप बर्थ कंपेनियन को अलाउ करते हैं क्या? हेलो, क्लियर नहीं है आवाज, क्लियर नहीं है? हाँ बोलिए सिस्टर। हमारे इधर अलाउ करते हैं सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड सिस्टर। सो ये रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर का एक कंपोनेंट है, हमने बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना चाहिए। ओके, सो ये बर्थ कंपेनियन, हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोला, ये कौन, जो हस्बैंड हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, वो इसका फायदा क्या है, क्यों हम बोलना है बर्थ कंपेनियन को हम हॉस्पिटल में अलाउ करना है, इसका फायदा क्या है, आपको बता सकते हैं क्यों हम बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना है? क्या सर क्वेश्चन एक बार? बर्थ कंपेनियन को हमने क्यों लेबर रूम के अंदर रखना चाहिए, पूरा लेबर खत्म होने तक हमने क्यों लेबर रूम के अंदर बर्थ कंपेनियन को रखते हैं, उसका फायदा क्या है, आपको बता सकते हैं? जो मदर बच्चे मिल्क सेक्रेशन कंफर्टेबल रहती है सर। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब अभी एक एक सिस्टर बताएंगे, पहले लतिका सिस्टर आप बोलिए, आप बोलिए क्या है, आप उनका पॉइंट बताइए। सर मदर कंफर्टेबल रहती है अपने साथ कोई रहता है तो। यस, वेरी गुड। अर्जुन
सर आपका आवाज कट होता है. हेलो. ओके ओके आपने करेक्ट पॉइंट बोला है. और आरएमएच हॉस्पिटल आप बताइए क्या है, कौन सा पॉइंट है, क्यों हम बर्तन पानी को लो करते हैं. ओके सो आपने ये पॉइंट सही बताया है, हमने बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना है उसको सपोर्ट मिलने के लिए, माँ को सपोर्ट मिलने के लिए. सो ये सपोर्ट मतलब इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट. आपको पता है जब माँ अंदर होते हैं, जब लेबर रूम के अंदर होते हैं, हम लोग डॉक्टर्स नर्सेस सब लोग उसके टेंशन जैसा, स्ट्रेस जैसा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं, उसी समय हमारे शरीर में भी हॉर्मोन प्रोडक्शन वगैरह काम होते हैं. उसी समय हमने ये, अगर आप माँ को बराबर साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहे हैं तो ये रिसर्च में भी, बहुत रिसर्च इसके ऊपर हो गया है, ये रिसर्च में भी पता चला है, ये अगर आपको, आपने सही तरीका से आप माँ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हो तो जो कॉम्प्लिकेशन का चांसेस, लेबर का समय कॉम्प्लिकेशन का चांसेस बहुत कम होते हैं. जैसा कि डिलेड लेबर, बहुत टाइम लंबा हो रहे लेबर, सो ये सब प्रॉब्लम कम हो सकते हैं अगर आपने प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं तो. इसलिए हमने बोलते हैं माँ के साथ कोई अंदर किसी को अलाउ करना चाहिए बोल के. ओके सो ये मान्यता एक स्टैंडर्ड है, मान्यता में हमने बोलते हैं बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना है. सो आपको, आपका अगर आपने हॉस्पिटल में अभी स्टार्ट नहीं किया तो आपके साथ अपना मैडम के साथ, सर के साथ बात करके आपने ये प्रैक्टिस चालू करना चाहिए. ओके और साथ साथ हमने क्या है, सपोर्ट केयर. सपोर्ट केयर मतलब क्या है, जो फर्स्ट स्टेज होते हैं उसी समय हम माँ को कुछ जूस वगैरह पीने के लिए दे रहे हैं, और डिलीवरी हो गया उसके बाद बेबी को दूध पिलाने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और ब्रेस्ट स्तनपान देने के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, बेबी को प्रॉपरली कवर करने के लिए. सो ये सब काम के लिए फायदा हो जाएगा आप अगर एक आदमी अंदर है तो. और एक चीज हमने याद रखना है, इनको हमने प्रॉपरली काउंसलिंग करना है. ये बर्थ कंपेनियन ऐसे एक लास्ट लेबर के समय आना नहीं चाहिए, वो पहले ही इसको हमने इन्वॉल्व करना चाहिए. जब एएनसी होते हैं उसी समय हमने इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, माँ का कंडीशन के बारे में इनको भी माहिती होना चाहिए. सो ये सब बर्थ कंपेनियन के बारे में आपने याद रखेगा. ओके नेक्स्ट पॉइंट है पार्टोग्राफ. सो ये पार्टोग्राफ के बारे में अभी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सर ने पूछा आपको कितने हॉस्पिटल में पार्टोग्राफ भर रहे. सो अभी हमने जल्दी क्योंकि हमने पार्टोग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे क्या क्या चीज हमने पार्टोग्राफ में भरना चाहिए एक बार हमने देखेंगे. ठीक है सो पार्टोग्राफ हम क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं पार्टोग्राफ क्यों हम यूज करते हैं, क्यों यूज करना चाहिए पार्टोग्राफ. हमने बोल रहे हैं आपको अभी हर सेशन में हमने पूछते हैं आपने पार्टोग्राफ यूज करते हैं क्या, पार्टोग्राफ यूज करते हैं क्या, आपको बता सकते हैं क्यों हम पार्टोग्राफ करना चाहिए. मदर का, हेलो, हाँ बोलिए सिस्टर. मदर का बच्चों का अंदर का पोजीशन और मदर के हार्ट का पोजीशन, मतलब ब्रेथलेस है क्या है बच्चा अंदर, ये इसीलिए पार्टोग्राफ हम प्रोवाइड करते. यस वेरी गुड. और कुछ बोलना है सर्विकल डायलिटेशन पता चलेगा. ओके सर्विकल डायलिटेशन तो हमने पीवी करके देखते हैं. ओके और कुछ निदेश, डॉक्टर डायरेक्शन वांट्स टू से मैम आई वन म्यूटेड. और डिलीवरी का टाइम कब तक है उसका वो भी पता चलेगा सर. हेलो पार्टोग्राफ से. ओके ओके वेरी गुड. हाँ आप बोलिए मैडम, बोलिए किसी ने हैंड राइज किया. हाँ मैडम बोलिए. प्रमीला फातिमा हॉस्पिटल से, बरेली से. हेलो. हाँ मैडम बोलिए. हाँ इससे हमें पता चलता है कि लेबर सही से प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डायलिटेशन ठीक हो रहा है कि नहीं. यस मैडम. कोई फीटर्स को कोई स्ट्रेस वगैरह हो तो पहले से ही पता चल जाए. यस वेरी गुड. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सो यही है अभी मैडम ऑलरेडी बताया है. एक डिसीजन, डॉक्टर्स को एक डिसीजन मेकिंग टूल है. सो पार्टोग्राफ, अगर आपने आपका हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ को प्रॉपरली पार्टोग्राफ भरा गया तो ये डॉक्टर को, जो आपने मैडम को, सार को फायदा हो जाएगा. वो आपको प्रॉपरली डिसीजन कर सकते हैं क्या अभी फर्दर कोर्स क्या करना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल हो रही है क्या या कुछ डिसीजन लेना है, वो सब डिसाइड कर सकते हैं पार्टोग्राफ का हिसाब से. दूसरा जैसा आपने ऑलरेडी मैडम ने बताया है, ये है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे, ये पहले ही पता चलेगा. जैसा प्रोलॉन्ग्ड लेबर, बहुत
ज्यादा टाइम ले रहे या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, सो ये सब पता चला अगर आपने पार्टोग्राफ प्रॉपरली भराई है तो, और बेबी का कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर आपने प्रॉपर पार्टोग्राफ भराई है तो, ठीक है। सो इसलिए हमने पार्टोग्राफ यूज करते हैं। ओके, सो ये है पार्टोग्राफ का पिक्चर। सो अगर आपके पास पार्टोग्राफ नहीं है ना, सो हम लोग को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग शेयर करेंगे ये पार्टोग्राफ सॉफ्ट कॉपी। सो फिर आपको इसका फोटो स्टैक निकाल के आपको हर शीट के साथ आपको पार्टोग्राफ भर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी। इसको शेयर कर दीजिए। सो आगे जी मैम सो ये है दूसरा पॉइंट है पार्टोग्राफ कैसे भरना है। सो जब आप, मैं बोला पार्टोग्राफ सही तरीका से हमने भरना चाहिए, उसी समय हमने क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे। सो अगर आपने ऑलरेडी पार्टोग्राफ यूज किया तो आपको ये मालूम होगा क्या क्या चीज हमने याद रखना है पार्टोग्राफ ठीक से सही तरीका से प्लॉट करने के लिए, क्या क्या चीज हमने याद रखना है पार्टोग्राफ भरने का समय, बता सकते हैं किसी को? पार्टोग्राफ हम कब शुरू करेंगे? जब हमने बोला सर्विकल डायलेटेशन, हाँ, जब सर्विकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर होने के, क्यों हम 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हम क्यों नहीं पकड़ते हैं उसका, 4 सेंटीमीटर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? 4 सेंटीमीटर से बच्चा अच्छे से ये हो सकता है सर, मतलब डिलीवरी अच्छा हो सकता है। Yes. इसके लिए हमने बोलते हैं एक्टिव फेस, लेटेंट फेस होते हैं। सो 1 to 4 सेंटीमीटर तक हम बोलते हैं लेटेंट, उसके बाद ये एक्टिव फेस हो जाएगा। सो एक्टिव, जब एक्टिव फेस शुरू करते हैं उसी समय हम पार्टोग्राफ भरने के लिए शुरू करेंगे। इसलिए हमने पीवी करके आपको पहले पता चला 4 सेंटीमीटर, अभी आपने पार्टोग्राफ भरेंगे 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तब हमने पार्टोग्राफ भरने के लिए शुरू करेंगे। ओके, और पार्टोग्राफ में बहुत बहुत चीज है, FHR है, कॉन्ट्रैक्शन है, सर्विकल डायलेटेशन है, इसमें हमने पहले क्या चीज भरेंगे वो भी हमने याद रखना है। इसमें कौन सा चीज पार्टोग्राफ में पहले, कौन सा चीज हमने पहले भरना चाहिए बताइए? FHR, amniotic fluid, मम्मी का मतलब दे... हाँ सिस्टर बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। ओके, सो हमने सर्विकल डायलिटेशन, पार्टोग्राफ में पहले हमने क्या भरेंगे? सर्विकल डायलिटेशन। ओके, सो पार्टोग्राफ 4 सेंटीमीटर से शुरू करेंगे, जब डायलिटेशन सर्विकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर होने के बाद शुरू करेगा, पहले हमने सर्विकल डायलिटेशन मार्क करेगा, और ये सर्विकल डायलिटेशन किसके ऊपर भरेंगे? सो अभी आपने ये दो लाइन देखा है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। सो पहले वाला सर्विकल डायलिटेशन हम, सर आपका आवाज कट हो रहा है। हेलो हेलो सर, आपका आवाज कट होता है। अच्छा राजीव, माय साउंड इज ऑडिबल? यस नितेश, मे बी बिकॉज़ ऑफ अ पुअर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज़ वी आर एबल टू हियर लाउड एंड क्लियर। ओके ओके, सिस्टर आपका नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो अभी हमने अलर्ट लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तीसरा नियम है, अलर्ट लाइन में ही भरना चाहिए सर्विकल डायलेटेशन, और जब आप भरोगे ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसका नाम है रेफरेंस लाइन। सो ये जब आप भरेगा ना, तब आपको पता चलेगा और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो हमने बात करेंगे उसके ऊपर, और एक केस स्टडी भी हम ले लेंगे। और जब आपने बाकी सारा चीज है ना, FHR, पल्स वगैरह, वो सब ये रेफरेंस लाइन के ऊपर ही हमने भरेंगे। सो इतना चीज अगर आपने ये सारा चीज याद रखेंगे तो आपको पार्ट ग्राफ ठीक तरीका से, सही तरीका से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा 2-3 प्रश्न आपको मैं पूछूंगा। सो पार्टोग्राफ में कई कुछ कुछ चीज हमने 4 घंटे से अंदर में, 4 घंटे में भरना चाहिए, और कुछ कुछ चीज हमने आधा आधा घंटे में भरना चाहिए। सो ये 4 घंटे में क्या क्या चीज भरना चाहिए, क्या क्या चीज भरना चाहिए? पीवी करके हमने क्या देखते हैं पहले, सर्विकल डायलिटेशन कितना है, सर्विकल डायलिटेशन कितना है, सर्विकल, इसलिए सो पीवी हमने 4-4 घंटे में करते हैं, इसलिए आपको सर्विकल डायलिटेशन पता चलेगा। इसलिए हमने बोलते हैं 4-4 घंटे में हमने पार्टोग्राफ में पीवी में पीवी का सर्विकल डायलिटेशन प्लॉट करते हैं। ओके, उसके साथ बीपी, बीपी और टेम्परेचर, बीपी टेम्परेचर, हार्ट रेट,
जी, बीपी और टेम्परेचर, मतलब ये अगर माँ का कंडीशन ठीक है तो बीपी और टेम्परेचर आधा घंटे में कुछ चेंज नहीं होते, कुछ फर्क नहीं होते, इसलिए हमने ये चार चार घंटे में करते हैं। बाकी सारा चीज जैसा कि FHR फीटल हार्ट रेट, अमनियोटिक फ्लूइड का कंडीशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और मैटरनल पल्स, ये सारा चीज हमने चार चार घंटे में भरना चाहिए। ओके, सो अभी चार घंटे, सो आधा आधा घंटे में भरना चाहिए। अभी चार घंटे में क्या भरना है, आधा घंटे में क्या भरना है, हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, हेलो, सो अभी पार्टोग्राफ में अभी हमने बोला अम्नियोटिक फ्लूइड, सो ये अम्नियोटिक फ्लूइड कैसे हमने भरना चाहिए, सो अम्नियोटिक फ्लूइड वो पार्टोग्राफ के अंदर कैसे हमने दिखाना चाहिए, सो अम्नियोटिक फ्लूइड का कंडीशन आपने कैसे मार्क करेंगे पार्टोग्राफ में। ओके, सो अगर ये दहली, जो दहली नहीं फटा है, जो मेम्ब्रेन है वो अभी भी नहीं खोला है, तो वो इंटैक्ट रहेगी। इंग्लिश में हमने बोलते हैं इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब ये अभी भी जो बैग है वो थैली है वो नहीं खोला है, तब हमने कौन सा ये टर्म यूज करेंगे, इंटैक्ट। सो ये इंटैक्ट हमने यूज टर्म कौन सा लेटर यूज करेंगे, हमने ये आई मार्क करेंगे। ओके, आई मार्क करके हमने ये यूज करेंगे। अगर मेम्ब्रेन ऑलरेडी खोला है, पानी आ रहे, लेकिन वो पानी क्लियर है, कुछ ब्लड स्टेन मेकोनियम ऐसा कुछ नहीं है, वो क्लियर है, तो हमने क्या यूज करेंगे, सी लेटर सी मार्क करेंगे। ओके, दूसरा तीसरा है मेकोनियम। सो अगर आपने ये देखा है मेकोनियम पास हो गया, सो जो कलरी ये हारे तब आपको पता चला बेबी मेकोनियम पास हो गया। फिर मेकोनियम पास हो गया तो हमने कौन सा लेटर से मार करेंगे, बता सकते हैं कौन सा लेटर यूज करेंगे, एम मार करेंगे। ओके, और ब्लड स्टेन, सो कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन के इतनी कारण से ब्लीडिंग हो गया, फिर हमने कौन सा मार करेंगे, बी, सो लेटर बी से हमने मार करेंगे। ओके, सो ये सब है ना, आपने जब आप पार्टोग्राफ डेली यूज करेगा ना, तब आपको बहुत इजी हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं आ जाएगा। सो अभी आप पहले बार सुन रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा, तो फिर आप लोग को हम लोग सपोर्ट दे देंगे, हम लोग मटीरियल वगैरह शेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा। ओके, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो माँ को पेन आते हैं तब कितने बार कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। सो अभी ये बोलिए, हमने कितने देर कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं, आपने जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन देखेगा ना, कितने देर देखना चाहिए, जब एक बार टेस्ट चेक करेगा ना कॉन्ट्रैक्शन, वो कितने देर तक देखना चाहिए, 10 मिनट सर, 10 मिनट, वेरी गुड, हमने 10 मिनट देखना चाहिए, हमने फंडस के ऊपर हाथ रख के हमने देखते हैं, तब 10 मिनट देखते हैं और किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे। सो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकेंड से कम देर तक रुक रहे, तो फिर हमने क्या करेंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सॉरी कौन सा तरीका से मार्क करेंगे, ऐसा डॉट 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 करके थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट करके मार्क करेंगे। ओके, ये है, अगर 20 सेकेंड से थोड़ा देर तक रुकेंगे तो हमने डॉट डॉट करके ब्लॉक्स मार्क करेंगे। दूसरा है 20 से 40 सेकेंड तक रुका है, जब आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा है तब आपको पता चलेगा ये कॉन्ट्रैक्शन जब एक बार आते हैं वो कितने देर रुकते हैं, 30 सेकेंड तक रुका है, तब आप कैसे मार्क करेंगे ये कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ा लाइन 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 करके हमने मार्क करेंगे। ओके, और लास्ट है जब कॉन्ट्रैक्शन अच्छा से आ रहे, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे, पेन अच्छा से आ रहे, सब प्रोग्रेस हो रहे, तब हमने कौन सा इसमें से हम मार्क करेंगे, 40 सेकंड से ज्यादा रुकेंगे तो ब्लैक, तो पूरा बिल्कुल बिल्कुल डार्क करके हमने ये मार्क करेंगे। ओके, सो ये चीज हमें याद रखिएगा। सो अभी ना, अभी एक केस स्टडी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये पार्टोग्राफ का एक केस स्टडी है। सो ये एक माँ का कंडीशन ऑलरेडी इधर दिया है। ओके, एक राधा नाम पेशेंट है, गंगाराम का वाइफ है, वो हॉस्पिटल में आया है, 5 बजे को सुबह एडमिट किया है, उसका रप्चर मेम्ब्रेन ऑलरेडी हो चुका है। सो ये सारा डिटेल्स इधर दिया है। सो उसी समय पीवी किया, उसी समय 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन मिला, तब हम पार्टोग्राफ भरे गए क्या, नहीं, हम पार्टोग्राफ कब भरेंगे, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होने के बाद। ओके, सो अभी 5 बजे को सिस्टर ने देखा है सर्विकल डायलिटेशन 2 सेंटीमीटर था, फिर हमने 5 बजे के बाद कितने बजे को और दोबारा करना चाहिए सर्विकल पीवी, 5 बजे सुबह आके उसी समय हमने किया, 2 सेंटीमीटर मिला, फिर कितने
9 बजे को. सो फिर 9 बजे को किया, उसी समय 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन मिला है. तब हम पार्टोग्राफ बरे गए किया? नाइस. पार्टोग्राफ बरे गए किया? यस सर. बरेंगे ना? हाँ. ओके. सो हम पार्टोग्राफ बरना चाहिए क्योंकि 4 सेंटीमीटर हो गया ना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो भी हो हमने पार्टोग्राफ बरना चाहिए. ओके. सो अभी हम पार्टोग्राफ भरने के लिए करेंगे. सो 4 सेंटीमीटर हमने भरने के लिए शुरू करेंगे. सो अभी आपको इधर देख सकते हैं, 9 बजे को क्या है, 9:30 को हमने कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सारा चीज देखेंगे. 9 बजे के बाद 1 बजे को फिर पीवी करके सर्विकल डायलेटेशन दोबारा चेक करेंगे. ओके. सो ये ऑलरेडी के शीट में दिया है. ओके. सो अभी हम पार्टोग्राफ देखेंगे. सो ये एक प्लेन पार्टोग्राफ है, अभी इसमें कुछ भरा नहीं है. सो ये पार्टोग्राफ हमारे पास है, अभी हम पार्टोग्राफ भरने के लिए शुरू करेंगे. ओके. ये देख लीजिए. सो पार्टोग्राफ में ऊपर क्या क्या डिटेल्स है बताइए. ऊपर नाम, वाइफ ऑफ, नाम, एज, टाइम. तो ये सारा सारा डिटेल्स, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स है, वो सब हमने भरेंगे. राधा, वाइफ ऑफ, एडमिशन टाइम, पैरिटी कितना है उसका, जीपीएल, वो सब हमने पहला हमारा पीछे वाला सेशन में देखा है. रजिस्टर नंबर कितना है, कब एडमिट हो गया है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब हो गया है, वो सारा पेशेंट का डिटेल्स हमने भरा है. ओके. सो अभी आप बोलिए, इसमें फीटल हार्ट रेट है, सर्विक्स डायलिटेशन है, कॉन्ट्रैक्शन में ड्रग्स है, सो और पल्स है, इसमें हमने कौन सा चीज पहले भरेंगे? वेरी गुड. सर्विकल डायलिटेशन, नॉट फीटल हार्ट रेट. हमने फीटल हार्ट रेट, हमने सर्विकल डायलिटेशन, ये है हमारा नियम में हमें बताया ना, सही तरीका से भरने के लिए हमने पहला नियम क्या बोला है, 4 सेंटीमीटर होने के बाद. सेकंड हमने बोला पार्टोग्राफ, हमने पांच आप ये सर्विकल डायलिटेशन से शुरू करने के लिए बोला. सो अभी एक एग्जांपल मैं ले लूंगा. सो अभी 5 सेंटीमीटर कैसे भरना चाहिए, देखो अभी पार्ट पैरेलल 5 सेंटीमीटर किधर मिल रहे हैं, अलर्ट लाइन में. ये दो लाइन आपको देख सकते हैं ना, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन. सो पहले वाला लाइन का नाम है अलर्ट लाइन, इसके ऊपर हमने मार्क किया है 5 सेंटीमीटर. ओके. तो 5 सेंटीमीटर भरने के बाद हमने उसका टाइम लिखेंगे, 9 बजे का टाइम, और हमने बाकी सारा चीज लिखेंगे. अभी हम एफएचआर लिखेंगे, एफएचआर हम गोल गोल करके मार्क करेंगे, और अमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था इसलिए सी मार्क करेंगे, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे था, थोड़ा मीडियम लेवल कॉन्ट्रैक्शन था, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन था, इसलिए हमने 3 कॉन्ट्रैक्शन, वो कैसे है 20 से 40 सेकंड उसका बीच में आया है, इसलिए हमने कैसे लाइन लाइन करके पार्ट ये पार्टोग्राफ में भरा है, और माँ का बीपी और बीपी मार्क किया है, और माँ का पल्स रेट भी मार्क किया है. तो ये सब हमने 9 बजे के लिए इतना चीज हमने मार्क किया है, और आधा घंटे के बाद हमने बाकी सारा चीज भरना चाहिए. ओके. सो आधा घंटे के बाद हम पीवी करेगा क्या, सीवी सर्विकल डायलिटेशन देख रहे क्या? नहीं नहीं सर, नहीं. 4 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद. अभी 9 बजे को किया तो 1 बजे को करेंगे, लेकिन आधा घंटे में बाकी सारा चीज हमने भरना चाहिए. इसमें क्या क्या आएगा, एफएचआर कर सकते हैं, आधा हार्ट रेट, बीपी, कॉन्ट्रैक्शन भर सकते हैं आपको, और आपको ये माँ का पल्स रेट भर सकते हैं, ये सब आधा आधा घंटे में हो जाएगा. ओके. सो अभी हमारा टाइम नहीं है इसलिए मैं ये पूरा इमीडिएटली दिखाते हैं आपको. सो हर आधा घंटे में हमने ये सारा चीज हमने ऐसे प्लॉट करके भर के जाएंगे, और हमने फिर पीवी कितना बजे को करेगा, 9 बजे को किया, फिर पीवी कितना बजे 1 बजे को करेंगे. ओके. सो अभी 1 बजे को पीवी किया, उसी समय आपको पता चला ये कितना सेंटीमीटर है, ये दिखा रहे आपको. हाँ. सो ये पूरा फुल डायलेटेड हो गया है. सो तब ये हाँ, सो फिर ये बराबर है. ओके. सो फिर माँ के डिलीवरी भी बाद में हो गया है, डिलीवरी का टाइम है. सो इधर हमने डिलीवरी का क्या स्टेटस है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी हो गया, बेबी का वजन कितना था, कितने बजे को, 1 बजे 120 को डिलीवरी हो गया, पूर्ण डिलीवरी हो गया. सो ये सब हमने मार्क करके पार्टोग्राफ, इतना हमने पार्टोग्राफ भरना चाहिए. ओके. सो इसमें एक चीज हमने याद रखना है, सेकंड रीडिंग आपने किधर मिला है, अलर्ट लाइन के ऊपर मिला है. ओके. अगर सेकंड रीडिंग आपने दोबारा पीवी करेगा ना, सेकंड रीडिंग अलर्ट लाइन का नीचे आ गया, तो ये कंडीशन दिखा रहे, ये खराब कंडीशन है, वो आपको दूसरा केस स्टडी
में हमने दोबारा हमने बताएंगे आपको, सो ये आपने याद रखेंगे। सो जब 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो गया पहले, उसके बाद ये 4 घंटे के बाद देखेंगे तो अलर्ट लाइन के ऊपर होना चाहिए, तब हमको बता सकते हैं ये कंडीशन चांस है, कोई प्रॉब्लम है। अगर अलर्ट प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलर्ट लाइन के नीचे आएंगे तो ये कंडीशन खराब है, फिर हम इमीडिएटली हमारा सर को मैडम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो अभी इतना आपने ये ब्रीफली हमने पार्टोग्राफ के बारे में देखा है, क्या क्या प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करना है, कई तरीके से प्लॉट करना है, ये सब बात किया है और हम इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हमने जाएंगे, मेरा कोलीग राजी आपको अभी ये पीवी के बारे में बताएंगे। थैंक यू। राजी थैंक यू निधीश। गुड आफ्टरनून टू ऑल, मैं राजी प्रोग्राम ऑफिसर वाराणसी से। तो अभी तक जो हमने सीखा, आरएमसी और पार्टोग्राफ के बारे में, तो आप लोग पार्टोग्राफ के बारे में अच्छी नॉलेज है आप लोग को, आप लोग बता भी रहे हो आंसर, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्टोग्राफ भरना भी स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो अभी हम पीवी के बारे में सीखते हैं, तो आप लोग ने पिछले हफ्ते पीवी के बारे में सीखा था, तो आज हम जो पीवी सीख रहे हैं वो प्लीज आप लोग मुझे उत्तर दीजिएगा, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग को याद भी है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले जो ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि पीवी एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोग कौन कौन से स्टेप्स करते हैं, जैसे कि कोई मदर आई और उसका हमें पीवी करना है, तो आप लोग क्या क्या करेंगे पीवी के लिए, मतलब किन किन चीजों का, किन किन चीजों की बातों का ध्यान रख के पीवी को करेंगे? प्राइवेसी, सबसे पहले प्राइवेसी। हेलो, वेरी गुड, मदर की प्राइवेसी, वेरी गुड। फिर कर्टन है, फिर मदर को काउंसलिंग करना है, हम वो क्या करना है उसको? वेरी गुड, वेरी गुड, मदर की काउंसलिंग करनी है और बोलना है, फिर हम उसको उसके रिलेटिव को बाहर निकालते हैं, फिर रिलेटिव को अंदर रखेंगे। लेडीज है जो, हेलो, फिर काउंसलिंग जी बोलिए, लगाना है ग्लोव्स, सेवलान लेना है। हेलो, ओके ओके ओके, हाँ हाँ जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, ब्लैडर एम्प्टी करना है। हेलो अनुश्री, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। लतिका जी, उनको प्रेजेंटेशन करने दीजिए, फिर जब वो क्वेश्चन पूछेंगी तभी आंसर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्लैडर एम्प्टी करना है, यानी उसको यूरिन पास करके आने के लिए बोलना है। सबसे पहले आपको यूरिन पास करवाना है। सेकेंड, आप क्या करेंगे उनको प्रोसीजर के बारे में बताना है, जैसे कि सिस्टर ने मुझे बताया भी, हाँ प्रोसीजर के बारे में हमें बताना है कि हम कौन सा प्रोसीजर उसके साथ करने जा रहे हैं। हम उससे बोलेंगे कि हम आपके नीचे के पार्ट की जांच करने जा रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो कितना खुला है। ठीक है, तीसरा हम क्या करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं पीवी के लिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि हम एक कटोरी यानी बॉल के अंदर क्या रखते हैं, गॉस पीस रखते हैं, बीटाडिन रखते हैं और स्पंज होल्डर रखते हैं, मतलब एक ट्रे के अंदर वो रखते हैं, तो वो सारी जितनी भी चीजें उस ट्रे के अंदर रखी हैं वो सारी आपकी स्टेराइल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मदर को पोजिशन देते हैं। हम मदर को कौन से पोजिशन में लिटालते हैं, हम उससे बोलते हैं पैर मोड़ के, पैर हिला के लेटने के लिए बोलते हैं। प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, गुड, आपने अच्छा आंसर दिया था, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि मदर आई और आपने कहीं पर भी मतलब उसका पीवी करना स्टार्ट कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमने शुरुआत में ही देखा था आरएमसी केयर हम देते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुली मैटरनिटी केयर देना है, रिस्पेक्ट करते हुए उसको मैटरनिटी केयर देना है। तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी मेंटेन करना है, या फिर आप लेबर रूम में देख लीजिए,
या फिर आप ओपीडी में मैम के चैम्बर में ही देख रहे हो तो वहां पे एक कर्टन लगा एक केबिन होना चाहिए, मतलब जहाँ पे कर्टन लगाओ कि कोई और अदर कोई और मतलब मदर्स बैठी हो तो वो ना देख सके, तो मतलब या फिर स्क्रीन लगाओ या फिर कर्टन लगाओ, यानी प्राइवेसी आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, हाथों को धोएंगे। तो हमने पहले भी हाथों को धोना आपको सिखाया था, तो आप लोग करते भी होंगे, सुमन के नाम से हमने बताया था आपको, सीधा उल्टा मुट्ठी अंगूठा, फिर उसके बाद हमने कलाई के बारे में हमने हुए, आपको हैंड वॉश करना है, देन उसके बाद आप ग्लव्स पहनेंगे। आपको दोनों हाथों में ग्लव्स पहन से करते हैं नहीं, आप पीवी के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप दूसरे वाले हाथ से क्या करते हैं, वल्वा को ओपन करते हैं, लेबिया को ओपन करते हैं, तो आपको दोनों हाथों में आपको स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करेंगे, ठीक है। वल्वा को कैसे क्लीन करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को आपको क्लीन करना है, पहले आप ऊपर से स्पंज होल्डर से मेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। नहीं मैडम, तनु ब्रेक हो रहा है, हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, आप ट्राई करो। हमने जो है ना अभी आ रही है, हाँ आ तो रही है, थोड़ा तो हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, ओके तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ को क्लीन करना है। ऊपर से नीचे की तरफ हम कैसे क्लीन करेंगे, मतलब स्पंज होल्डर से आपको लेना है, ऊपर से क्लीन करते हुए नीचे की तरफ करते हुए आपको डस्टबिन में फेंकना है। अभी भी आपको गंदा लग रहा है तो आप दूसरा ग्लास पीस लीजिए और उसे क्लीन करिए। ऐसे ही आप इस साइड का क्लीन करेंगे, दूसरे साइड का क्लीन करेंगे, फिर बीच से क्लीन करते हुए लेटरिन वाली जगह को भी क्लीन करते हुए आपको डस्टबिन में उसको फेंकना है। आपको बार बार रगड़ना नहीं है, बस ऊपर से नीचे की तरफ को क्लीन करके उसको फेंकना है। उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि पीवी हमें कब कब करनी है। फोर घंटे में पीवी करनी है। क्वेश्चन में अगर हमको फोर फोर आवर, वेरी गुड, हर चार चार घंटे में हमें पीवी करना है, मगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। यदि कोई इंडिकेशन है या फिर आपके डॉक्टर आपसे बोल रहे हैं कि एक बार देख लो, या फिर आपको लग रहा है कि एक दो घंटे के अंदर उसकी डिलीवरी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे उसकी मतलब उसका बीच में भी आप पीवी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हर चार चार घंटे में पीवी करना है। नेक्स्ट स्लाइड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पीवी के द्वारा आप क्या क्या फाइंडिंग्स, देखते हैं, मतलब आप पीवी क्यों करते हैं, क्यों करना चाहते हैं, हेलो डायलेटेशन का चलता है क्वेश्चन, हेलो वेरी गुड हाँ बोलिए हाँ मैडम, सर्विस डायलेटेशन कितना है कितना नहीं वो देखने के लिए पीवी करना पड़ता है। और क्या देखते हैं, हेलो हाँ जी बोलिए हाँ मैम, सर्विक्स डायलेटेशन बेबी कितना नीचे आया है कितना नहीं वो देखने के लिए पीवी करना पड़ता है। ओके और क्या क्या देखते हैं आप, प्रेजेंटिंग पार्ट देख लिया, ओके वेरी गुड, कौन सा पार्ट आ रहा है आपने वो देख लिया, और कुछ देखते हैं, मेकोनियम कलर, वेरी गुड, आप कलर देखते हैं, पानी का जो रंग है वो कौन सा है वो कलर देखते हैं, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया, सारे पॉइंट्स आपके सही हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हम सबसे पहले सर्विक्स का डायलिटेशन और इफेसमेंट देखते हैं। सर्विक्स का डायलिटेशन, सर्विक्स में दो चीजें देखते हैं, यानी बच्चे बतानी के मुंह पे दो चीजें देखते हैं, आपको डायलिटेशन देखना है यानी सर्विक्स कितना खुला है, दूसरा आप देखते हैं सर्विक्स कितनी मोटी है और कितनी पतली है, तो दो चीजें आपने सर्विक्स पे देख लिया। दूसरा आप देखते हैं स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब पानी का जो थैली है उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो फट गया है कि वो पूरा बन रहा है, फट गया है तो वो लीकिंग होने लगता है, वो तो आपको पहले से ही पता चल जाता है, और यदि वो बन रहा होगा तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि वो इंटैक्ट अभी फटा नहीं है। तीसरा आप क्या देखते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट, वो भी आपने बिल्कुल सही बताया कि कौन सा पार्ट आ रहा है बेबी का, बेबी का हेड है, बेबी का बटक्स है,
फुट प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन, मतलब कौन सा पार्ट आ रहा है वो आपको पता करना है। नेक्स्ट आप देखते हैं पेल्विक एडिक्वेसी। पेल्विक एडिक्वेसी में आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि पेल्विक जो हड्डी जो है वो मतलब टाइट तो नहीं है, मतलब जो रास्ता है उस रास्ते से बच्चा निकल जाएगा कि नहीं निकल पाएगा। तो हम ये ज्यादातर प्राइमरी मदर्स में देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है कि वो हड्डी लूज है कि नहीं, मतलब उस हड्डी से बच्चा निकल पाएगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब अपने हाथों को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे आपके हाथ पे कौन से रंग का पानी लगा है। यदि थैली फटी होगी तो पानी जरूर लगा होगा, और यदि नहीं फटा है तो पानी नहीं होगा। यदि पानी का रंग हरे या काले रंग का है तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी मैडम को तुरंत इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बच्चा क्या है डिस्ट्रेस में हो रहा है, मतलब बच्चे को सांस लेने में अंदर दिक्कत हो रही है, इसलिए उसने लैट्रिन पास कर दिया। तो आपको यदि ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का आपको पानी दिख रहा है तो आपको अपनी मैडम को तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो आपको पीवी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, ठीक है। तो मैं अपने साथी को फिर से हैंड ओवर कर रही हूँ, थैंक यू। Thank you, Uriyaji. So before we go there, Nitish, can you just take that off? Yes. Stop screen sharing for a minute. No, just stop screen sharing and re-screen share. Okay. There's a green icon upar aapka ban ke aa raha hoga, stop screen share. Haan. Yeah. So we were looking at, हम लोग तीन चार चीज देख रहे हैं। तो हमारा हॉस्पिटल्स में अभी कोविड के कारण बर्थ कंपेनियन नहीं तो एक अटेंडर हम लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं, मगर नॉर्मल स्टेज में हम लोग बर्थ कंपेनियन नहीं तो अटेंडर अलाउ कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं ना है? तो हम लोग देख रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स अभी तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब भी नहीं करना है क्योंकि अभी कोविड का कारण है, मगर साधारण एडमिट करेंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट है हम लोग ये देखें कि पार्टोग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और पार्टोग्राफ सेकेंड टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, और पार्टोग्राफ जरूर फिल करना है। और जिस हॉस्पिटल शुरू नहीं किए, देखिए मान्यता का सर्टिफिकेट है, और मान्यता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए तो पार्टोग्राफ यूज करना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और WHO और सब लोग कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनीबडी डजंट नो हाउ टू यूज पार्टोग्राफ और वांट्स टू यूज पार्टोग्राफ, आपको PO को जरूर बात करिए, और आपका प्रोग्राम ऑफिसर जो जपाइगो से हैं वो आपको मदद करेंगे, ठीक है। और अगला क्लास में 1% आपका से 1% एक केस प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि पार्टोग्राफ कैसे यूज किए, ठीक है। और आप सोचते हैं कि आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं तो आप हमारा जो प्रोग्राम ऑफिसर है लिंक्ड है आपका हॉस्पिटल के साथ, आप जरूर उनके साथ बात करिए और बताइए कि हमारा हॉस्पिटल से हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग जरूर करेंगे। तीसरा है कि पीवी का नोट, बहुत नर्सेस पीवी करते हैं मगर पीवी का नोट नहीं लिखते हैं, तो पीवी का नोटिंग करना है, और नोटिंग में क्या क्या करने हैं जो अभी राजी सिस्टर ने बताया ना, चार चीज, तो चार चीज जरूर लिखना है, ठीक है। डायलेटेशन, एफेसमेंट, मेम्ब्रेन है तो नहीं, कलर ऑफ लाइकर, ये सब नोट्स में लिखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर्स भी नोट्स में लिखना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप टीबी किए मगर नोट्स आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का तीन केस होगा, और निधिश और राजीव फिर इस केस को प्रेजेंट करेंगे, और हमारा साथ डॉक्टर सुनीता दमीजा भी हैं, और डॉक्टर सुनीता दमीजा भी आएंगे और बात करेंगे, ठीक है। सो ओवर टू यू निधिश फॉर द फर्स्ट केस प्रेजेंटेशन। ओके सर, हॉस्पिटल
थैंक यू सर. सो अभी ना अभी हम एक केस स्टडी बात करेंगे. सो ये आपको पढ़ने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा. सो इसमें क्या लिखा है देख लीजिए. एक मदर का नाम रुबीना बोल के एक मदर, वो 28 एज ओल्ड है, हॉस्पिटल में आया है. इनका ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया. हमने ट्रू लेबर पेन हमको मालूम होना चाहिए. सो ये ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया है और इसका जब आपने जेस्टेशनल एज देखा है माँ का, अभी ये 30 वीक्स में है. ओके 30 वीक्स में हो गया, 30 वीक्स में आ गया, ट्रू लेबर पेन है. सो हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया. सो अभी आप क्या करोगे? सो इमीडिएटली आप क्या क्या करना चाहिए आप बता सकते हैं थोड़ा सोच के? सो आपका हॉस्पिटल में ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, सो आप बताइए क्या करेंगे हम? क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीज देखना चाहिए हमने? Nidish, this is Rohan from Echo. Just a request, you know, if you can guide participants to, you know, share their answers, because otherwise we'll get background noise. This Zoom is very sensitive to noise. Okay. So one by one, if you know, we can request participants to share, that will be better. Otherwise, we'll not be able to hear clearly. All right. Thank you. हेलो. हाँ सर. या अभी अभी एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल का सिस्टर्स बताएंगे. एक एक टाइम में ना एक हॉस्पिटल से बात करेंगे तो हमको कुछ डिस्टरबेंस नहीं आएगा. ठीक है. सो अभी एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल से बताएंगे. अब क्या करोगे सिस्टर बताइए? एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल, एंडोवर्ल्ड हॉस्पिटल बताइए सर. पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे. हाँ. वगैरह कुछ है क्या वो देखेंगे. उसके पेन कैसा है वो देख के. ओके. बोलेंगे जो हमारे बस में है डिओडोरेंट वगैरह लगाने का, वो ड्रिप वगैरह लगा देंगे. ओके. और कुछ दवा आपने ट्रू लेबर पेन कैसा देखेंगे आपको बता सकते हैं? ट्रू लेबर पेन देखना, इधर ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया बोला, आपको पता है ट्रू लेबर पेन का साइंस क्या है, वो कैसे देखेंगे मालूम है? पेट दर्द है कि नहीं देखेंगे. उसके बाद पीवी एग्जामिनेशन करेंगे. ओके. ओके. सो अभी ओके थैंक यू सिस्टर, आपने जो बोला है करेक्ट है. सो अभी राघोजी हॉस्पिटल, आपको कुछ बोलना चाहिए था बताइए. सर ट्रू लेबर पेन ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होते सर, ये साइन बन जाएगा सर. ट्रू लेबर पेन कैसा है वो? वेरी गुड. ट्रू लेबर पेन का साइंस आपने बता रहे. ओके. सो आप हाँ बताइए. एग्जामिनेशन करेंगे सर, पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे सर, ऑब्स्टेकल हिस्ट्री, गायनेकल हिस्ट्री. ओके. सो अभी ना अभी ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया है सोच लो. सो अभी इनको डिलीवरी हम करना पड़ेगा, अभी 30 वीक्स में है. सो अभी हम कुछ दवा वगैरह देना पड़ेगा, दैट मेडिसिन वगैरह देना पड़ेगा हमें क्या इस कंडीशन में? जरूरत है तो देना पड़ेगा सर कुछ. कौन सा बताइए? हेलो. हाँ हाँ सर. हाँ बोलिए. ओपन होगा, डिलीवरी वगैरह हो रही होंगी तो फिर उनको डिओडोरेंट ट्रिप नहीं लगा सकते. डिलीवरी होगी तो फिर नहीं दे सकते. कुछ नहीं हो रहा होगा, बंद होगा तो उसको डिओडोरेंट ट्रिप लगा सकते हैं. ओके. ओके. सो इसी समय ना ये अगर ये डिलीवरी हुआ है तो बेबी 30 वीक्स में पैदा हो जाएगा. उसी समय बेबी के लिए हमने कुछ बेबी का हेल्थ सोच के हमने कुछ दवा वगैरह देते हैं बताइए. क्या क्या सर? बेबी के लिए अगर आपने अभी डिलीवरी हुआ तो ना ट्रू लेबर पेन शुरू हो गया, डिलीवरी होगा. सो अगर ऐसा कुछ कंडीशन में हमने कुछ दवा वगैरह देना पड़ेगा बेबी का हेल्थ के लिए. कौन सा है? हमने देखेंगे. सो हम इमीडिएटली क्या देखना चाहिए, पहले है जेस्टेशनल एज करेक्टली देखना चाहिए. ओके. सो ये इम्पोर्टेंट चीज है. अभी हमने माँ एक बोला है और माँ बोलेंगे मेरे को पता नहीं है, तो फिर प्रॉपरली हमने जेस्टेशनल एज कितना वीक में है, डिलीवरी प्रेगनेंसी कितना वीक में चल रही है वो हमने देखना चाहिए. आप बता सकते हैं कैसे कौन किन किन तरीके से हमको जेस्टेशनल एज देख सकते हैं आपको बता सकते हैं? पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे. और कुछ ज,
जेस्टेशनल एज देखने के लिए और कुछ तरीका है? तीन तरीका है हमने पहला सेशन में देखना है देखा है फर्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। लेंथ सर जी बोलिए। फंडल लेंथ यूएजी एलएमपी। यस सो एलएमपी ईडीडी देखेंगे हमने, फंडल हाइट देखेंगे, दूसरा है हमने यूएसजी रिपोर्ट, फंडल हाइट एलएमपी ईडीडी और ये तीनों चीज हमने देखेंगे। ओके सो और हमने देखना चाहिए सो अगर वेदर द मदर इज इन ट्रू लेबर पेन। सो अभी आपने ऑलरेडी ट्रू लेबर पेन का साइंस बोला है, तो आपने ट्रू लेबर पेन का साइंस क्या 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 है वो आपको याद होना चाहिए। पीछे से शुरू होके आगे आते हैं, कमर का पीछे से शुरू होके पेन आते हैं, और जब पेशेंट रेस्ट माँ ने रेस्ट किया तो भी ये पेन कम नहीं हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन है टाइम जाके जाके वो बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ के जाएंगे ज्यादा टाइम होने के बाद। तो ये सब सारा चीज, और इसके साथ साथ में ब्लड स्टेन्ड ये भी दिखाएंगे, शो भी दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा ट्रू लेबर पेन का साइन है। ओके सो ये हमने देखना चाहिए, और अगर उसका मेम्ब्रेन रप्चर हो गया वो भी हमें पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, आपने बोला हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो इस समय आपको ये डिटेल्स भी पूछना चाहिए। ओके सो अभी आपने किसी ने बोला एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम कितना वीक में अगर माँ आएंगे तो डिलीवरी होने वाले तब हम दे देंगे एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। थर्टी टू वीक्स ओके तो ये है ना, ये अगर आप बात नहीं करेंगे तो ना आपने आपका माइक थोड़ा म्यूट में रख लीजिए प्लीज। म्यूट में रख लीजिए मैडम। ओके सो अभी एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोला, एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली दो मेडिसिन है, एक है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हमने ये 24 to 34 वीक्स के अंदर जो डिलीवरी हो रहे तब हमने इसको और सात दिन में डिलीवरी हो जाएगा तब हमने एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड मदर को देना चाहिए। ये किसके लिए है? बेबी के लिए है, बेबी को लंग मैच्योरिटी के लिए। अगर ये बेबी उसी समय जन्म हुआ गया तो बेबी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं लंग मैच्योरिटी का, इसलिए हमने ये पहले ये दवा देना चाहिए जो डिलीवरी के पहले माँ को देना चाहिए। तो अभी आपको मालूम है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। अभी बोलिए डेक्सामेथासोन हम कैसे दे देंगे, उसका डोज कैसा है बता सकते हैं? डोज डेक्सामेथासोन का सर 6-6 आवर्स। ओके ओके कितने कितने दे देंगे? 6 डोज सर। हेलो ओके 6 डोज दे रहे हैं क्या? ओके और कुछ और किसी को आंसर देना चाहिए? और आपका हॉस्पिटल आप कौन सा यूज करते हैं, डेक्सा या बीटा? सर डेक्सा डेक्सा यूज करते हैं। ओके डेक्सा मतलब है ना, डेक्सा ज्यादा अवेलेबल मेडिसिन है और इसका प्राइस भी कम है, इसलिए ज्यादा हमने डेक्सा यूज करते हैं। और ये ना अभी आप ये भारत सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से यही है डेक्सामेथासोन देने का डोज कैसा देना है, 6 mg देना चाहिए 12 घंटा इंटरवल पे IM रूट पे 4 डोज देना चाहिए। ओके 6 mg मेडिसिन देना चाहिए IM रूट पे 12 घंटा इंटरवल पे 4 डोज देना चाहिए। अगर आपका हॉस्पिटल में बीटामेथासोन दे रहे हो तो आप कैसे देना चाहिए, ये मेडिसिन 12 mg देना चाहिए और IM रूट पे 24 आवर 2 डोज। ओके सो ऐसे हमने ये डोज देना चाहिए। सो ये अगर आपका हॉस्पिटल में ये अलग तरीका से दे रहे हो तो आपने आपका मैडम के साथ सर के साथ डिस्कस करके ये थोड़ा ये स्ट्रेटजी ये गाइडलाइन थोड़ा अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है सो ये है डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन देने का। और अगर अभी अभी ऐसा बेबी का जन्म हो गया, ये स्मॉल साइज बेबी है ना, जो प्रीटर्म बेबी ऐसा इसका 40 वीक्स होने के 37 के पहले डिलीवरी हो गया, सो ऐसा बेबी को हमने कैसे क्या क्या कैसे केयर देना चाहिए, कैसे हम वो मैनेज करेंगे ऐसा सिचुएशन बताइए स्मॉल साइज बेबी को क्या क्या पॉइंट्स हमने याद रखना चाहिए। okay.
आपका हॉस्पिटल में अगर ऐसा कुछ 37 के पहले डिलीवरी हुआ है तो आप कैसे मैं बेबी को मैनेज करते हैं बताइए? एनएसयू में लेके जाएंगे। ओके, एनएसयू में शिफ्ट करते हैं। सो आपका हॉस्पिटल में एनएसयू है क्या सिस्टर? आरएमएच में है। आरएमएच में, ओके ओके ओके। सो बेसिकली हमने क्या करना चाहिए? सो स्मॉल साइज बेबी मतलब उसको क्या क्या तकलीफ होते हैं? त्रास गेला, त्रास होतो, ब्रीदिंग गेला प्रॉब्लम असतो। ओके, सांस लेने में तकलीफ होती है उसको। ओके, सो आपने हाइपरथर्मिया सुना है? हाइपोथर्मिया सुना है? हाइपोथर्मिया मतलब क्या है? यस सर, हाइपोथर्मिया मींस टेंपरेचर कम हो जाना। हेलो, ओके, सो ये ऐसा बेबी को है ना मेनली क्या क्या उसको स्मॉल उसका फीडिंग को तकलीफ होते हैं, उसका वजन कम होते हैं, उसको इन्फेक्शन जल्दी मिलने का चांसेस होते हैं, सो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। इन्फेक्शन आने का चांसेस हो सकते हैं, सो ये सब प्रॉब्लम होते हैं स्मॉल साइज बेबी में। सो इसलिए हमने बेबी को प्रॉपरली क्या मैनेज करना चाहिए। सो इसमें पहला चीज है हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना। सो हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना साथी हमने क्या क्या करना चाहिए सर? पहले मदर केयर करना चाहिए। ओके, सो आपको हॉस्पिटल में कंगारू मदर करते है? कंगारू मदर केयर एएमसी करते है? नेक्स्ट यूज सर वार्मर। वार्मर के नीचे रखते हैं बेबी को। ओके ओके, और कुछ? और कुछ? और कुछ? बेबी को नहा, सो अगर जो स्मॉल साइज बेबी को नहाना हम कब देना चाहिए? बाथिंग नहाना कब देना चाहिए? आफ्टर इमीडिएटली दे देंगे, जल्दी हमने 24 घंटे में दे देंगे। ओके, सो इसमें मेनली हमने हाइपोथर्मिया रोकने का पॉइंट्स याद रखना है। एक स्पेशल मेन पॉइंट है बेबी को प्रॉपरली रैप करना चाहिए। सो रैप करना चाहिए मतलब क्या है? उसको प्री वार्म टॉवल में अच्छा से वार्म करके टॉवल से हमने वार्म बेबी को प्रॉपरली टॉवल में करना चाहिए, और बेबी को टोपी सॉक्स वगैरह ग्लव्स ये सब वार्म गर्म रखने के लिए टोपी सॉक्स वगैरह डालना चाहिए। उसको नहाना इमिडिएटली नहीं देना चाहिए, 7 दिन के बाद हमने देना चाहिए। और अब आपने बोला वार्मर में रखते हैं, सो वार्मर में रखने के और एक इम्पोर्टेंट सेम तरीका और उससे ज्यादा फायदा होता है अगर आपने कंगारू मदर केयर फॉलो किए तो। ओके, सो कंगारू मदर केयर कैसे करेंगे वो हमने अगला प्रेजेंटेशन में देखेंगे। सो आपने बोला कंगारू मदर केयर के बारे में बोला है, तो अभी आपको कंगारू मदर केयर मतलब का मतलब है ना? सो कंगारू मदर में क्या होता है? कंगारू मदर केयर में क्या होता है सिस्टर बताइए? सो कंगारू मदर केयर है ना, सो अभी हमने स्मॉल साइज बेबी को ये सब प्रॉब्लम होते हैं हमने ऑलरेडी बोला है, उसको टेम्परेचर, उसको इन्फेक्शन आने का चांसेस, उसका फीडिंग का प्रॉब्लम, ये सब होते हैं। वो सब रोकने के लिए एक ही तरीका, एक तरीका से हमको ये सब मैनेज कर सकते हैं, उसका नाम है कंगारू मदर केयर। ये क्यों वो कंगारू मदर केयर का नाम आया, कंगारू कैम से आया है आपको मालूम है? कंगारू सो एक जानवर है, उसका बेटे को कैसे रखते है वो पाउच में रखते हैं, सेम प्रकार इधर भी हमने इसे मैनेज करते हैं। ओके, कंगारू मदर केयर में तो इसलिए बेबी स्टेबल होना चाहिए। अगर बेबी का वजन बहुत कम है, ऐसा 1800 ग्राम से कम है, तो हमको इमीडिएटली कंगारू मदर केयर नहीं दे सकते, उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेगा और उसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, एनआईसीयू वगैरह हमने शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेबी का 1800 ग्राम से ज्यादा है लेकिन 2.5 किलो से कम है उनका वजन, नॉर्मल इंडियन बेबी का वजन कितना होता है? कितना होता है नॉर्मल इंडियन बेबी का वजन एवरेज? 2.5 kg। सो इधर है ना, इधर अगर बेबी का वजन 2.5 kg से कम है और 1800 ग्राम का वही बीच में आए तो हमको इमिडिएटली आपको कंगारू मदर केयर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो कंगारू मदर केयर में हमने क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इसका फायदा क्या है उसको। ये कंगारू मदर केयर है
प्रूव्ड है, मतलब वो रिसर्च में देखा हुआ है कि बेबी का मृत्यु बहुत कम होते हैं अगर आपने प्रॉपरली कंगारू मदर किया तो बेबी मोर्टैलिटी कम हो सकते हैं और इसका इन्फेक्शन का चांसेस बहुत कम हो सकते हैं और इसको हाइपोथर्मिया रोक सकते हैं हमको हाइपोथर्मिया अगर बेबी स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में आएंगे तो हाइपोथर्मिया का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा और बेबी का साथ माँ के साथ एक बंधन हो जाएगा। अगर आप बेबी को वार्मर में अननेसेसरी रखेंगे तो उस बेबी माँ के साथ बॉन्डिंग नहीं रहेगा। अगर बेबी के साथ रखेंगे माँ के साथ बेबी को रखे केएमसी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगा माँ और बेबी का और उसके साथ फीडिंग भी ठीक से कर सकते हैं अगर माँ के साथ रखेंगे तो। अगर फीडिंग ठीक से हुआ है तो क्या होता है बेबी का वजन इमिडिएटली बंद हो सकते हैं। सो ये सब चीजों के ऊपर फायदा है अगर आपने प्रॉपर कंगारू मदर केयर किए तो। ओके सो अभी हम देखेंगे कंगारू मदर केयर कैसे करेंगे। ये पिक्चर आपको देख सकते हैं ना, हाँ सो ये बेबी बहुत छोटी होते हैं। ओके बेबी बहुत छोटा होता है उसी समय हमने बेबी को कैसे पोजीशन करना है, बेबी को टोपी उसको सॉक्स वगैरह डाल के माँ का छाती पे उसका ब्रेस्ट स्तन का बीच में हमने बेबी को रखना चाहिए मेंढक जैसा पोजीशन में, ऐसा मेंढक जैसा पोजीशन में हमने रखेंगे और बेबी का हेड एक साइड में टर्न करके रखेंगे और हम बेबी को इसके ऊपर से माँ को कपड़े पहन सकते हैं या कपड़े पहन के और उसके बाद शॉल से बांध कर सकते हैं। आजकल है ना वो केएमसी बैग भी आते हैं, सो केएमसी बैग मिलते हैं और आपको हॉस्पिटल में बना सकते हैं केएमसी बैग, सो इसमें से आपको बांध के रख सकते हैं बेबी को। एक दिन में ना मिनिमम जब एक बार माँ ऐसा करेंगे ना मिनिमम 1 आवर रखना चाहिए, 1 घंटे रखना चाहिए और अगर फ्री है तो बहुत देर से भी रख सकते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है खाली माँ को केएमसी कर सकते हैं, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम है तकलीफ है तो और कोई किसी को भी कर सकते हैं, अगर पापा वगैरह उनको भी कर सकते हैं लेकिन उसी समय फीडिंग का ये मैनेज नहीं हो जाएगा, लेकिन बाकी सारा फायदा अगर दूसरा आदमी करेंगे तो भी हो जाएगा। सो ये हमने याद रखना है, इसका नाम है कंगारू मदर केयर। ओके सो अभी आपने आपका हॉस्पिटल में ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, स्मॉल साइज बेबी जन्म हो गया उसका बाकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसका वजन 1800 ग्राम से 2.5 ग्राम का बीच में आया तो हमको कंगारू मदर केयर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये कंगारू मदर केयर हम कितने देर कंटिन्यू करना है, जब तक बेबी का वजन 2.5 से ज्यादा हो रहे तक हमको ज्यादा हो जाता है तो कंगारू मदर केयर कंटिन्यू कर सकते हैं और बेबी फुल टर्म होने तक, अभी बेबी 30 वीक्स में जन्म हो गया इसलिए हमने कर रहे हैं, सो फिर 37 के बाद 40 तक हमको ये कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, सो फिर बेबी का कंडीशन ठीक हो जाएगा इसलिए हमने कंगारू मदर केयर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो कंगारू मदर केयर क्लियर हो गया सबको, कुछ पूछना है थम्स अप कर लीजिए, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर लीजिए थम्स अप हाथ से, हाँ थैंक यू। और दूसरा एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमने देखना चाहिए, बेबी में फीडिंग का प्रॉब्लम तकलीफ होते हैं जैसा हाइपोथर्मिया हमने बोला ना, फीडिंग का प्रॉब्लम बेबी नॉर्मल बेबी जैसा माँ का स्तन सक करने के लिए सकिंग करने के लिए उसको बेबी को और सपोर्ट देना पड़ेगा। ओके उसको सकिंग करने के लिए और अटैचमेंट करने के लिए उसको है ना, पहले हम नॉर्मल बेबी को हमने अटैच करके निपल के इसमें अटैच करके फीडिंग के लिए सपोर्ट देते हैं लेकिन ये छोटा बेबी है इसलिए इसका फीडिंग के लिए उतना ये नहीं हो जाएगा, उसको इतना कंफर्ट बेबी को उतना कैपेसिटी में नहीं रहेगा, सो फिर हमने एडिशनल सपोर्ट देना चाहिए फीडिंग के लिए, अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, वो हम डॉक्टर्स नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये हम कैसे करेंगे, सो इसमें एक चीज हमने याद रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद रखना चाहिए यह है कि हमने स्तनपान को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, इसका मतलब अगर फीडिंग नहीं हो रही तो इमीडिएटली हमने फॉर्मूला इसमें नहीं जाना चाहिए, हमने पहले फोकस का किस में देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को, क्योंकि बेबी को मदर ब्रेस्ट फीडिंग सबसे अच्छा फूड क्या कौन सा है बेबी के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट मदर मिल्क मदर्स मिल्क, सो बेबी में सारा चीज 6 महीने तक बेबी को सारा चीज चाहिए वो सब चीज ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाएगा, इसलिए हमने ये देना चाहिए, पहले हमने सपोर्ट करके अटैचमेंट करने के लिए थोड़ा सा मदद करके हमने ये देखना चाहिए, अगर ये भी नहीं हो रहे तो हमने क्या करना चाहिए एक्सप्रेस्ड मिल्क दे सकते हैं। एक्सप्रेस्ड मिल्क मतलब आपको सुना क्या है एक्सप्रेस्ड मिल्क, निकाल के देते मदर का मिल्क निकाल के देते हैं, निकाल के हमने कटोरी स्पून वगैरह या पलाडी वगैरह यूज करके हमने ये फीडिंग करते हैं, लेकिन उसमें हमने एक चीज याद रखनी है ये प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर सेफ होना चाहिए, ऑटोक्लेव अच्छा होना चाहिए,
हाँ, सो बेबी को इसमें बेबी को है ना, बेबी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत सेंसिटिव रहेगा, बहुत ये अगर कुछ ना कुछ कारण से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमने ये प्रॉपरली क्लीन करके ये फीडिंग वगैरह हैंड वॉश ये सब प्रॉपर क्लीनिंग मेथड हमने अप्रोच करना चाहिए। सो अगर ये भी ऑप्शन नहीं हो रहे तो फिर बाकी और ऑप्शन के बारे में हमको पीडियाट्रिशियन का एडवाइस पे हमको फॉर्मूला फीडिंग, और अगर बेबी का वजन बहुत कम है 1200 ग्राम से कम है तो ना ये फीडिंग ओरली फीडिंग उसके साथ हमने अगर बेबी को बाकी सारा चीज भी मार करना, अगर बेबी को इन्फेक्शन हो रहा है तो हमने एंटीबायोटिक वगैरह देना चाहिए, और अगर आपने शुरू पहले बोला है अगर आप हमारा हॉस्पिटल में उतना सुविधा नहीं है स्मॉल साइज बेबी को मैनेज करने का और कॉम्प्लिकेशन है तो हमने इसको रेफर करेंगे किधर, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में, प्रॉपर स्पेशल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। यस, ये है स्मॉल साइज के बारे में, इतना है आज बात करने के लिए। सो अभी आई एम गिविंग टू राजी, हैंड ओवर टू यू राजी। ओके, थैंक यू निधिश। आप लोग को समझ में आ गया होगा, अभी तो मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैडम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम सीखने जा रहे हैं केस स्टडी 2। तो आप लोग ने पार्टोग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह से बताया था, तो उसी पार्टोग्राफ से रिलेटेड हम दो प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो आप लोग को यदि समझ आया हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। तो हमारा केस स्टडी 2 है, काजल है, अमित की पत्नी है जो कि 28 साल की है और तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है। वो आपके हॉस्पिटल में 5 बजे सुबह के एडमिट होती है और 4 बजे उसका क्या था, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी पानी की थैली जो है वो फट चुकी थी। तो हम देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, तो हमारा एक ये पार्टोग्राफ जो है वो हमने फिल करके रखा है, तो आप लोग गौर से देख के बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन है, मैं पहले ही बता देती हूँ ये कॉम्प्लिकेशन है, ये नॉर्मल नहीं है। तो आपको बस पहचान के बताना है ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें आप देख रहे। सर्विकल डायलेटेशन अलर्ट लाइन के पास, एक्शन लाइन के पास जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, सर्विक्स का जो डायलेटेशन है उसने अलर्ट लाइन को क्रॉस कर दिया है। और देखिए जी, FHR जो आप देख रहे हैं, FHR नॉर्मल कितना होता है, आप लोग कोई मुझे बता सकता है नॉर्मल FHR कितना होता है? 142 जी जी जी, बोलिए। 120 वेरी गुड, 120 से या वीर हॉस्पिटल ने भी आंसर दिया है जी, 120 से 160 जी, 120 से 160 के बीच में जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो FHR आप इसमें देख रहे होंगे हमारे पार्टोग्राफ में वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, यानी 120 से 160 के बीच में ही चल रहा है। आप नीचे आइए, एमनियोटिक फ्लूइड देखिए, वो भी क्या है, मेम्ब्रेन तो रप्चर हो चुका था यानी पानी की थैली तो फट चुकी थी, तो क्या है पानी कैसा निकल रहा है, क्लियर निकल रहा है यानी साफ पानी है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नीचे आइए, जैसे मुझे एक सर ने बताया कि पहले तो 9 बजे जब हमने देखा था 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन था, हमने जब 4 बजे यानी 4 घंटे यानी 1 बजे जब हमने देखा तो कितना हुआ डायलिटेशन, 6 सेंटीमीटर हुआ, यानी सिर्फ जी 1 ही सेंटीमीटर बड़ा है। यानी आपको क्या करना था, आपको कैसा होना चाहिए था, आपको तो इतना पता होगा ना कि प्राइमरी मदर्स में क्या होता है, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ता है और मल्टी में तो इससे ज्यादा भी बढ़ जाता है। मगर इस मदर में क्या हुआ, आपने 9 बजे देखा 5 सेंटीमीटर था, आपने फिर 1 बजे देखा तो क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ही बड़ा है। यानी आपको ये सोचने वाली बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर आप देखिए कॉन्ट्रैक्शन पे जो दर्द आ रहे हैं उसको देखिए, उसमें भी क्या हो रहा है, एक ही लगातार सेम दर्द बना हुआ है, सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं। अब हर आधे आधे घंटे में दर्द देखना होता है, 10-10 मिनट के लिए देखते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए आप 2 दर्द आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही दर्द आ रहे हैं और वो दर्द का जो ड्यूरेशन जो टाइम होता है वो सिर्फ लेस देन 20 यानी लेस देन 20 सेकेंड से भी कम जा रहा है। तो यानी दर्द बिल्कुल लगातार ही बने हैं, ये नहीं कि बढ़ नहीं रहे हैं। नॉर्मल में क्या होता है, बढ़ना चाहिए कॉन्ट्रेक्शन जो होता है, वो जो दर्द जो होते हैं वो बढ़ना चाहिए, बढ़ते बढ़ते क्या होता है डायलिटेशन होने लगता है, मगर इसमें क्या हो रहा है वो सिर्फ लगातार ही बने रह रहे हैं।
हाँ कम नहीं हो रहा है, बिल्कुल लगातार चल रहा है, यानी बढ़ नहीं रहा है, तो यहाँ भी आपको सोचने वाली बात है कुछ गड़बड़ है। उसके बाद आप नीचे आइए मैटरनल, जहाँ पे आप पल्स और बीपी देखते हैं मदर का, तो 9 बजे जब आपने बीपी देखा तो 120/70 आ रहा था, जब आपने 4 घंटे के बाद 1 बजे जब देखा तब कितना हो गया, 100/70 आ रहा है, यानी माँ क्या है पेन ले लेके, मतलब जो लगातार जो पेन चल रहा है उस पेन को लेते हुए, और डिलीवरी भी नहीं हो रही है तो क्या हुआ, माँ थक चुकी है। और पल्स क्या है, पल्स पहले तो 80 था, फिर क्या हुआ वो जो लास्ट 4 घंटे के बाद, जब आप 4 घंटे तक क्या हो गया, वो बढ़ता चला गया, 110 तक पहुंच गया है। तो आप मुझे बताइए कौन सा लेबर हो सकता है, कहां, मतलब ये क्या कॉम्प्लिकेशन है, किसकी तरफ को ये दर्शाता है, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? वेरी गुड, वीर हॉस्पिटल ने मुझे आंसर दिया, प्रोलॉन्ग लेबर। और कोई? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ओके। और कोई बताना चाहता है? ठीक है, तो हम ही बताते हैं, ये प्रोलॉन्ग लेबर में जा रहा है, लंबा खींच रहा है, नेक्स्ट स्लाइड, ये प्रोलॉन्ग लेबर में जा रहा है, यानी प्रसव जो है वो लंबा खींच रहा है। आपका एक टाइमिंग होता है कि डिलीवरी हो जानी चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर की जो डेफिनेशन होती है, यानी प्रोलॉन्ग लेबर को हम लंबित प्रसव भी बोलते हैं, यानी लंबा खींचने वाला प्रसव। इसमें क्या होता है, पेन तो आते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होता है महिला को, मगर वो कॉन्ट्रेक्शन बढ़ते नहीं है, बिल्कुल घटते भी नहीं है, बढ़ते भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही चलते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, जब पेन ही कम होंगे, पेन ही कम रहेगा, यानी बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, डायलिटेशन भी कम होगा। तो इससे क्या होता है, मदर क्या करती है, इस लेबर पेन को लेते लेते क्या होता है, 24 घंटे या 24 घंटे के पार करा देती है, मतलब पार हो जाते हैं पेन लेते लेते, तो इसको हम बोलते हैं, हाँ इसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। समझ में आ गया? यस। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रोलॉन्ग लेबर का मैनेजमेंट क्या है, कोई मुझे बता सकता है क्या मैनेज कर सकते हैं, कुछ मैनेजमेंट है? ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रोलॉन्ग लेबर में दो फेस होते हैं, मैंने हमारे निधिश ने पहले भी आप लोगों को बताया, दो फेस होते हैं, एक लेटेंट फेस होता है, एक एक्टिव फेस होता है। लेटेंट फेस का मतलब होता है, चार, हम पार्टोग्राफ कब भरते हैं, 4 सेंटीमीटर का जब हो जाता है डायलिटेशन, 4 सेंटीमीटर से पहले वाले फेस को आप क्या बोलोगे, उसको हम लेटेंट फेस, उसको हम लेटेंट फेस बोलते हैं जी, उसको हम लेटेंट फेस बोलते हैं। अब 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर के बाद से लेकर यानी 10 सेंटीमीटर तक आप क्या बोलोगे उसको, एक्टिव फेस। अब समझ में आ गया, दो फेस जी, दो फेस होते हैं जी, एक लेटेंट फेस और एक एक्टिव फेस। अब लेटेंट फेस क्या होता है, थोड़ा सा लंबा भी खींच सकता है जी, लेटेंट फेस जो है वो थोड़ा सा लंबा भी खींच सकता है, मगर एक्टिव फेस में आकर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने, आप अनुमान लगा सकते हैं इतने घंटे के अंदर उसकी डिलीवरी हो सकती है। तो लेटेंट फेस में जब मदर होती है ट्रू लेबर पेन में, यानी सही वाले दर्द में, लेटेंट फेस में महिला होती है, तो आप उससे चलने फिरने के लिए बोल सकते हैं, आप उसको हाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन में यदि जा रही हो, या हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप ड्रिप लगा सकते हैं उसको। और तीसरी जो चीज है, बर्थ कंपेनियन जी, बर्थ कंपेनियन के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, बर्थ कंपेनियन उसके पास होना चाहिए, मतलब मदर को आपको अकेले नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसको अकेले जी, वेरी गुड, उसके साथ कोई रिलेटिव चाहिए ताकि उसको सपोर्ट देता रहे, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा हो जाएगा, मतलब ऐसा कोई सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि माँ तो जी, माँ तो वैसे भी परेशान हो रही है, तो उसके सपोर्ट के लिए एक कोई ना कोई बर्थ कंपेनियन उसके साथ होना चाहिए। ये था लेटेंट फेस में। अब जैसे ही यदि 4 सेंटीमीटर का हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, पार्टोग्राफ भरना पड़ेगा, तो आप पार्टोग्राफ भरना पड़ेगा जी, तो आप वो क्या हो गया, एक्टिव फेस में चली गई है महिला। मगर इतना याद रखिएगा, पार्टोग्राफ से आपको पता चल जाएगा, यदि अलर्ट लाइन को क्रॉस करता है, सर्विक्स का डायलिटेशन अलर्ट लाइन को क्रॉस करके एक्शन लाइन की तरफ को जा रहा है, तो हमारा जो पार्टो, हमने जो भरा था पार्टोग्राफ, उसमें आपने देखा था अलर्ट लाइन को क्रॉस करता हुआ एक्शन लाइन की तरफ जा रहा था, तो एक्शन लाइन जी, देखिए अलर्ट लाइन को क्रॉस करके क्या हुआ, एक्शन लाइन की तरफ को जा रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए तब, या फिर और एक और चीज कंडीशन हो गई, यदि बच्चे की सांस की दर 120 से कम और 160 से ज्यादा जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि प्रोलॉन्ग लेबर होता क्या जी, पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि वो क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसलिए आप पार्टोग्राफ प्लीज भरिए, तो आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आएगा, और डॉक्टर को आप जो एक्शन लेने के लिए डॉक्टर को आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म पहले से कर सकते हैं।
तो प्रोलॉन्ग लेबर आपको समझ में आ गया होगा, प्रोलॉन्ग लेबर आ गया ना समझ में आप लोग को जी। तो अब हम सीखते हैं एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन, मैं वो भी दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। इसमें भी नीतू है, पुनीत की पत्नी है जो 24 साल की है, तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है। वो आपके हॉस्पिटल में सुबह के 5 बजे एडमिट होती है और उसका भी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी पैनी की जो थैली है वो सुबह के 4 बजे फट गई और वो 5 बजे आपके हॉस्पिटल में एडमिट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने इस केस स्टडी को देखते हुए पार्टोग्राफ को फिल किया है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्प्लिकेशन है। देखिए इसमें FHR जो है वो गिर रहे, लो हो रहे मैम, लो जी, लो लो हो रहा है, वेरी गुड। और सर्विकल डायलेटेशन मैम फिर से एक बार लाइन पर जा रहा है, एक्शन लाइन पर जा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। अलर्ट लाइन को क्रॉस करते हुए एक्शन लाइन पे जा रहा है। कॉन्ट्रेक्शन क्या हो रहा है? कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूअसली रहने के बाद मैम इंक्रीज हो रहे, हाँ इंक्रीज हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है। तो वो नॉर्मल है कि बेकार है? नॉर्मल है मैम, नॉर्मल है। आपने एक चीज छोड़ दिया, एमनियोटिक फ्लूइड पे जाइए, जो FHR के जस्ट नीचे वाला कॉलम उसको छोड़ दिया आप लोग ने, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड मुझे बताइए। मेकोनियम, हाँ मेकोनियम। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था मेकोनियम में आपको अलर्ट होना है कि छोड़ देना है? अलर्ट होना है, अलर्ट होना है, वेरी गुड, अलर्ट होना है आपको बिल्कुल। उसके बाद आप मैटरनल पे चलिए, मैटरनल पल्स और बीपी पे चलिए, वहां पे देखिए बीपी जो है वही था स्टार्टिंग में जब आप 9 बजे देख रहे थे तो 120-70 आ रहा था और लास्ट में जब देख रहे हो तो कितना हो रहा है, 170 हो रहा है। उसमें भी आपको, उसमें भी आपको अलर्ट होना है कि बस छोड़ देना है, नॉर्मल है? नहीं, अलर्ट 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 होना है, वेरी गुड। तो ये कौन सा कंडीशन है मुझे बताइए, कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? ये प्रोलॉन्ग नहीं मैम, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस हो सकता है मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का केस है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब बाधित प्रसव, किसी बाधा के कारण, हाँ किसी बाधा के कारण डिलीवरी का ना हो पाना, ना हो पाना, इन्फेक्शन होना, नहीं इन्फेक्शन नहीं, किसी बाधा के कारण, किसी किसी कारण, किसी कोई कारण के कारण मतलब डिलीवरी का ना हो पाना। वो कारण क्या है? तीन कारण हो सकते हैं, 3P बोलते हैं उसको, पी पी फॉर पैरेट वाला पी। तो पी, एक पी होता है पावर या फिर कॉन्ट्रेक्शन कम आ रहे हो, ठीक है समझ में आ गया? एक होता है पावर, पावर मतलब कॉन्ट्रेक्शन या फिर कम आ रहे हो, इसमें तो कॉन्ट्रेक्शन अच्छे आ रहे थे, ठीक है। दूसरा था पैसेज, पैसेज का मतलब रास्ता, जिस रास्ते से बच्चे को निकलना होता है वो रास्ता कैसा है। तो हम पीवी में जो मैंने बताया था पेल्विक एडिक्वेसी देखते हैं, यानी हड्डी टाइट है कि लूज है, मतलब बच्चा उसमें से, वेरी गुड, यशोधरा हॉस्पिटल ने बोला है पेल्विक एडिक्वेसी, गुड। तो पैसेज वही है, मतलब उस रास्ते से बच्चा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो दूसरा है पैसेज मतलब रास्ता, जिस रास्ते से बच्चे को निकलना होता है। और तीसरा है पैसेंजर, पैसेंजर कौन है? मदर के पेट में पैसेंजर कौन है? बच्चा, 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 बेबी है, बच्चा है, यस फीटल है, यानी बच्चा है उसके पेट में। तो पैसेंजर को, पैसेंजर के कारण बच्चे का ना, मतलब डिलीवरी का ना हो पाना, तीन कारण, तीन कारणों में से कोई भी एक कारण हो सकता है या तीनों कारण हो सकते हैं, यानी पावर नहीं आना पहला, यानी क्या कॉन्ट्रेक्शन नहीं आना, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा उसकी वजह से नहीं हो पा रही है डिलीवरी। दूसरा क्या है पैसेज, यानी जहां से, जिस रास्ते से बच्चे को निकलना है वो रास्ता ही छोटा है तो नहीं हो पा रही है डिलीवरी। या तीसरा क्या है पैसेंजर, बच्चे के कारण नहीं हो पा रही है डिलीवरी। अब बच्चे का क्या कारण हो सकता है? हाइड्रोसेफालस हो सकता है, यानी बच्चे का बहुत बड़ा सिर है उस वजह से नहीं निकल पा रहा है, हेड बड़ा है, हाँ हेड बड़ा है। या फिर क्या है बिग बेबी है, बच्चा ही बहुत बड़ा है। या फिर क्या है लाई, जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, बच्चा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन यानी आड़े में लेटा हुआ है, या तिरछे ऑप्लिक प्रेजेंटेशन तिरछे में है तो बच्चा नहीं निकल पा रहे, उनके कारण बच्चे का ना निकल पाना, यानी तीन कारण, 3P के कारण ना निकल, किसी कारण से ना निकल पाना, उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था आपको बस इतना समझना है। अब देखो पावर तो बहुत अच्छे थे, यानी कॉन्ट्रेक्शन तो अच्छे आ रहे थे, अच्छे आने के कारण क्या हो रहा था, बच्चा नीचे की तरफ को नहीं खिसक पा रहा था। आपने देखा क्या हो रहा था, नहीं खिसक पाने के कारण आप देखो फीटस का जो हार्ट रेट है वो क्या हो रहा था, डाउन होता जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था, यानी डिस्ट्रेस में जा रहा था।
और हमेशा याद रखिए, या फिर बच्चा 120 से कम या 160 से ज्यादा हो रहा हो तो क्या होने लगता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जाने लगता है, बच्चे का दम घुटने लगता है अंदर, ठीक है। हाँ, तो क्या होने लगता है, वो मेकोनियम यानी वो लैटरिंग पास कर देता है अंदर, तो लैटरिंग पास कर देता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम मैनेजमेंट देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के लिए, हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट में वही है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके कारण डिलीवरी नहीं हो पा रही है, डिलीवरी कारण से नहीं हो पा रही है या प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो किस कारण से नहीं हो पा रही है। तीनों चीज आपको देखनी पड़ेगी, पावर भी देखना पड़ेगा, पैसेज भी देखना पड़ेगा और पैसेंजर के भी देखना पड़ेगा। तो तीनों का कारण देख के आपको मैम को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और यदि आपको कंफर्म हो गया कि हाँ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर ही है तो आपको क्या करना है, आपको आईवी लाइन स्टार्ट करना है, आरएल या एनएस आप लगा सकते हैं, 25-30 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से आप उसको चला सकते हैं हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, और आप के लिए। जी एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, इंजेक्शन एम्पीसिलिन देना आपको, 1 ग्राम आईवी देना है, मगर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद ही आप दे सकते हैं। उसके बाद इंजेक्शन जेंटामाइसिन आप देना है, 80 mg IM आप दे सकते हैं, और इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 500 mg देना है, आईवी देना है। इसके बाद आप अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। तो आप लोग को प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको पार्टोग्राफ सबसे पहले अच्छी तरह से करना पड़ेगा, और आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी फैसिलिटी पे, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप लोग को इन्फॉर्म करिएगा। ओके, थैंक यू सुरंजन सर। थैंक यू मैडम। क्वेश्चंस, कैन यू पुट डाउन द स्लाइड प्लीज, एनी क्वेश्चंस सो फार, स्लाइड्स को हटा दीजिए निदेश। ओके सर। एनी क्वेश्चंस, थैंक यू निदेश एंड थैंक यू राजी। आज हम लोग एक घंटे में हम लोग क्या क्या पढ़े, कोई बता सकते हैं? तो पहले हम लोग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के बारे में बात किए, करेक्ट? हम लोग ये भी बात किए कि हर प्रेग्नेंट, हर डिलीवरी रूम में एक अटेंडेंट होगा, बर्थ कंपेनियन होगा तो अच्छा है। पीवी एग्जामिनेशन। इसके बाद हम लोग पार्टोग्राफ के बारे में बात किए, पार्टोग्राफ इम्पोर्टेंट है, और पार्टोग्राफ में क्या क्या फिल करना है, क्या क्या फिल करना है पार्टोग्राफ में, सर्विक डायलेटेशन, डायलेटेशन, बच्चे का पिटल्स, बीपी पल्स, क्या क्या फिल करना है आधे आधे घंटे में, एफएचआर, कॉन्ट्रैक्शन, बीपी पल्स, कॉन्ट्रैक्शन देखना है, वेरी गुड। So, contraction देखना है, पल्स देखना है, बीपी पल्स सबका 4-4 घंटे चाहिए, बट एफएचआर नहीं, आधे आधे घंटे में देखना, एफएचआर 4 घंटे, और ये देखना है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, और 4-4 घंटे में पीवी करना है, मदर का बीपी चेक करना है, मदर का टेम्परेचर। एक चीज हम बहुत लेबरों में गए, सब चीज करते हैं, एक चीज नहीं करते हैं, मदर का टेम्परेचर नहीं देखते हैं, टेम्परेचर नहीं लेते। बहुत लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर क्यों देखना है, मगर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मदर का टेम्परेचर जरूर देख लीजिए 4-4 घंटे, ठीक है, और ये भी आपका नोट करना होगा। इसके बाद हम पीवी के बारे में देखे, हम लोग 5 चीज देखते हैं, और पीवी कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स करना है भी हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग 3 केस प्रेजेंटेशन देखें। डॉक्टर सुनीता आप हैं, जरा आप, डू यू वांट टू क्लोज दिस इन 5 मिनट्स, जस्ट समरी ऑफ द क्लिनिकल केसेस। ओके ओके, मैं डॉक्टर सुनीता हमीजा हूँ और जपाईगो में हूँ। तो अभी अभी जो है वो इस सेशन के अंदर आपने जो ये 3-4 चीजें इम्पोर्टेंट देखी हैं उनको ब्रीफली थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा बात करते हैं उनपे। सबसे पहला आपने देखा कि कोई भी महिला आपके पास लेबर में आती है तो हमको उसके साथ रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करनी है, यानी कि उसके साथ आदरपूर्ण व्यवहार
रखना है, जिसमें आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि प्राइवेसी मेंटेन करना है, उसकी बातों में गोपनीयता रखनी है, उसको सेफ सर्विसेज देनी है, उसके साथ एक बर्थ कंपेनियन को अलाउ करना है सो दैट वो एक कंफर्ट फील करे, आराम महसूस करे, और उसके साथ प्यार से बात करनी है, कोई मारपीट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, पैसे नहीं देना है तो उसके लिए रोकना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती हैं आपके रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में। तो सबसे पहले हमने उस पर बात करी है। दूसरा हमने बात करी कि किस तरीके से पर वजाइनल एग्जामिनेशन पीवी एग्जामिनेशन करना है, तो हमारी ये क्लियर है। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि कितने घंटे में पीवी, कोई दिक्कत नहीं है तो कितने घंटे में पीवी करनी चाहिए? 4 घंटे में। बहुत बढ़िया। तो जब जरूरत नहीं है, सब चीज बिल्कुल ठीक चल रही है, तो 4 घंटा में पीवी करना है, ठीक है? क्योंकि जितना हम बार बार पीवी करेंगे उतना इन्फेक्शन जाने का खतरा है ना, तो ये हमको 4 घंटा में करना है। पीवी करने का टेक्निक देखा आपने, प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, आपने ग्लव्स पहन करके सफाई करके फिर आपने पीवी करना है। पीवी में आपने क्या क्या चीजें देखी कि सर्विक्स का कितना डायलेटेशन है ना, इफेसमेंट क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, लाइकर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है नहीं हुई है, हो गई है तो लाइकर का कलर क्या है, तो ये सारी चीजें, और पेल्विस ठीक है कि नहीं, यानी कि इस पेल्विस में से ये बच्चा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, है ना, ये सारी चीजें हम देखते हैं पीवी एग्जामिनेशन। फिर हमने बात करी पार्टोग्राफ की। तो पार्टोग्राफ जो है वो आप लोगों ने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है पार्टोग्राफ प्लॉट करना, आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई सारे सेशन देखने के बाद? कोई एक जना बताना चाहे? प्रोग्रेस ऑफ लेबर मालूम पड़ता है मैम इससे। प्रोग्रेस ऑफ लेबर मालूम चलता है कि ठीक चल रहा है, यानी कि अलर्ट लाइन पे या उसके बाएं तरफ है। यदि आपका प्रोग्रेस धीमा हो रहा है, कहाँ मुड़ जाएगा? राइट में मुड़ जाएगा, एक्शन लाइन की तरफ मुड़ जाएगा। इसका मतलब वो प्रोग्रेस जो होना चाहिए था उसे स्लो हो रहा है ना। दूसरी चीज क्या पता लगती है? ऑब्स्ट्रक्शन लेबर है कि नहीं। वेरी गुड, कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर से ही हमको पता लग रहा है कि धीमा प्रोग्रेस हो रहा है। अगर अलर्ट लाइन से राइट में चला गया है तो धीमा प्रोग्रेस हो रहा है, जो कि दो तरीके से हो सकता है, दो कारण से हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है? दो कारणों से आपका जो डायलेटेशन का ग्राफ है वो अलर्ट लाइन से राइट में चला जाएगा, प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से, यानी कि प्रोग्रेस ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है? और पार्टोग्राफ से आपको क्या पता लगता है? डिलीवरी की स्थिति भी हाँ, और लेबर कब होने वाली, ब्लड प्रेशर, माँ का पल्स, माँ का टेम्परेचर, है ना, और बच्चे की स्थिति भी पता लगती है। बच्चे की स्थिति लेबर में कितना टाइम है? नहीं, बच्चे की स्थिति के लिए आप पार्टोग्राफ में क्या चीज प्लॉट करते हो? बच्चे का ब्रेथलेस है बच्चा या अंदर का पोजीशन कैसा है? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर से पता लगता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। अगर मीकोनियम आ रहा है इसका मतलब बच्चा डिस्ट्रेस्ड है। क्या देखते हैं बच्चे के लिए? FHR देखते हैं। वेरी गुड, FHR देखते हैं बच्चे की धड़कन। अगर 120 से 160 के बीच में है तो सब चीज ठीक है, अगर 120 से नीचे या 160 से ऊपर है तो इसका मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में है। तो हमको तीन चीजें पार्टोग्राफ से पता लग जाती हैं, माँ की स्थिति, बच्चे की स्थिति और प्रोग्रेस कैसा चल रहा है लेबर का, वो तीनों चीजें पता लग जाती हैं। क्या आप सोचते हैं कि पार्टोग्राफ प्लॉट करना चाहिए ये सब जानने के बाद? यस यस मैम। ये सब लोग जवाब दें। यस मैम। यस मैडम। वेरी गुड, बिल्कुल। पार्टोग्राफ प्लॉट करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपको तुरंत एक नतीजा मिल जाता है कि ठीक चल रहा है सब चीज या नहीं चल रहा है, और जैसे ही कुछ गड़बड़ मिलती है आप तुरंत अपनी मैडम को इन्फॉर्म करिए, अपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करिए, ठीक है? उसके बाद का जो डिसीजन है फिर वो डॉक्टर साहब लेकर के आपको आगे का कैसे मैनेजमेंट करना है केस का, वो आपके बारे में बता देंगे। तो ये हमने थोड़ा बात करी पार्टोग्राफ के बारे में। कितने टाइम पे शुरू करेंगे पार्टोग्राफ? सेंटीमीटर सर्विकल, 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, एक्टिव फेज में शुरू करेंगे 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन पे।
और सबसे पहली पूरे पूरे पार्टोग्राफ में सबसे पहली चीज क्या प्लॉट करेंगे? सर्विकल डायलेटेशन। सर्विकल डायलेटेशन, सर्विकल डायलेटेशन। और देखिए अभी हमने जो देखा ना प्रोलॉन्ग लेबर और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, दोनों केसेस में क्या होता है कि लंबा प्रसव जा रहा है, प्रसव जितना लंबा होगा माँ भी एग्जॉस्ट होती है और बच्चा भी डिस्ट्रेस होता है, दोनों को नुकसान होने का खतरा है। इसीलिए अगर आपको पार्टोग्राफ से पता लग रहा है तुरंत के ये प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में जाने की संभावना है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए और आईवी लाइन शुरू करिए। प्लेन एंटीबायोटिक देना है, आईवी लाइन शुरू करना है, बिल्कुल प्लेन ड्रिप, फिलहाल प्लेन ड्रिप शुरू करिए ताकि माँ को आप करवट करा दीजिए, माँ को करवट करा दीजिए ताकि बच्चे को अच्छा सर्कुलेशन जाए और ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं माँ को। ठीक है, ये दो तीन काम करके आप मैडम को इन्फॉर्म करिए, मैडम फिर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकती हैं आगे के लिए। ये हमने बात करी प्रोलॉन्ग लेबर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। एक चीज पे हमने और थोड़ा डिस्कशन किया आज, वो है कि छोटा बच्चा अगर समय से पहले पैदा होता है यानी कि 37 हफ्ते से पहले हो जाता है तो वो बच्चे में आपको इन्फेक्शन का खतरा है ना, हाइपोथर्मिया होने का खतरा, वो फीड ठीक से नहीं ले पाता है, तो ये सारे खतरे होने की चीजें होती हैं, तो उसको आपको बहुत ध्यान से उसकी केयर करनी होती है। तो बच्चा जो है जितना छोटा होगा उतना टेम्परेचर मेंटेन करने में उसको दिक्कत होती है, इसलिए आपको क्या उसमें क्या सजेस्ट करना है? कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर, KMC है ना, कंगारू मदर केयर, बच्चे का टेम्परेचर ताकि वो माँ से सटा रहे स्किन से और गर्म रहे। लेकिन केवल स्किन से सटाना ही सफिशिएंट नहीं है, कंगारू मदर केयर में कम से कम एक घंटा तक वो जो भी जना कंगारू मदर केयर दे रहा है उससे स्किन से स्किन कम से कम एक घंटा लगा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगाया 5 मिनट के बाद उसको सूसू कराया तो उसने डायपर चेंज करने के लिए अलग कर दिया, दूध पिलाने के लिए उसको अलग कर दिया, तो वो केएमसी नहीं है। केएमसी में लगातार एक घंटा कम से कम, ज्यादा की लिमिट नहीं है, आप ज्यादा चाहो तो 6 घंटा करो, 8 घंटा करो, कितना भी करो, पर कम से कम एक घंटा करेंगे तभी वो कंगारू मदर केयर होगी। मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा बच्चे का, टेम्परेचर मेंटेन रहता है क्योंकि वो माँ की या किसी और की स्किन से लगा होता है ना, तो जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है तो बच्चे का टेम्परेचर भी धीरे धीरे उसी के हिसाब से टच से जो है वो बराबर होने बढ़ता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, फिर बच्चा दूध कैसे पी रहा है उसके बारे में देखना है, छोटा बच्चे को दूध पीने में दिक्कत होती है ना, तो उसको दूध देने के लिए हो सकता है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना पड़े या ट्यूब फीडिंग, मम्मी का मिल्क निकाल के भी पिला सकते हैं, मम्मी का मिल्क निकाल के भी पिला सकते हैं, वेरी गुड, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं। यस, फिर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है तो उसके लिए हमको उससे बचाव करना है इन बच्चों के लिए, तो ये हमने बात करी छोटे बच्चे के लिए, है ना। फिर हमने एक चीज और बात करी थी कि अगर डिलीवरी आपकी 37 हफ्ता से पहले हो रही है यानी कि 24 से 34 हफ्ते के बीच में हो रही है तो ऐसे केस के अंदर बच्चे के लंग्स जो है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते और ऐसा बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी जन्म लेने के बाद, तो क्या ऐसा कुछ हम माँ में दवाई दे सकते हैं क्या अगर ऐसा बच्चा सांस में तकलीफ? वेरी गुड, तो हम डेक्सामेथाजोन इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, 6 मिलीग्राम का इंजेक्शन लगाते हैं हर 12 घंटे में, टोटल 4 डोजेस लगाते हैं, 6 mg में, 6 मिलीग्राम लगाते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं और अभी जो है वो हमने जितनी भी आप लोगों ने आज सेशन में देखी चीजें उसको हम संक्षेप में थोड़ा थोड़ा उसकी मुख्य बातें बता दी है। रंजन, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक्स, थैंक यू। यस, इट्स 5 बजे हो गया, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कंप्लीटेड आवर 3rd राउंड ऑफ ट्रेनिंग। आपका कोई फीडबैक है कि कैसे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ इश्यूज है, आप नहीं समझ पा रहे हमारा लैंग्वेज, तो आपको और बेहतर तरीका हम लोग को सजेशन दे सकते हैं तो जरूर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में।
थैंक यू सो मच ओवर टू आकाश एंड टू डॉक्टर थैंक यू वेरी मच आप सब ज्वाइन हुए और जैसे कि आज का सेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक अभी भेजी है उस लिंक को आप अपने गूगल ब्राउजर में पेस्ट करके हमें फीडबैक दीजिए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा अगला सेशन नेक्स्ट फ्राइडे को 15th मई को होगा और सेम टाइम पे होगा 3-5 में और आपको एडवांस में इंटीमेशन दिया जाएगा प्लस आज के सेशन का जो भी वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल मान्यता फॉर मदर्स पे भी आप बाद में देख सकते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर टाइम वीडियो मिले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे थैंक यू बाय बाय थैंक यू सर बाय बाय थैंक यू बाय बाय फीडबैक दे थैंक यू ओके सर ओके सर बाय इतना मैंने कहा कि लिस्ट